Hello, 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 everyone. Welcome to Tete a Tete with Sakshi Chaudhary, your ultimate destination for everything related to entertainment. Entertainment, yani ki Big Boss 16, Shukravar ka vaar, Weekend ka vaar, Salman Khan ka vaar aa chuka hai, jiske baare mein hum discussion aur debate karenge. Jo log naye hain, wo channel ko subscribe kar dijiye, video ko like kar dijiye. बेल आइकन ऑन कर दीजिए और जो पुराने आप लोगों को रिचुअल पता है ये एक एंटरटेनमेंट बेस्ड चैनल है जहाँ पे हम शोज कवर करते हैं और इंटरेस्टिंग चीजें लाएंगे बट एज ऑफ नाउ क्योंकि बिग बॉस इतना टाइम कंज्यूमिंग है तो हम बिग बॉस 16 कवर कर रहे हैं सो एवरीबॉडी चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप कमेंट नहीं कर पाओगे ठीक है ठीक है रिव्यू शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले बिकॉज आर 9 o'clock एपिसोड आ जाएगा और ऑलरेडी 7:15 हो चुके हैं तो एटलीस्ट 2 hours आपको और मुझे साथ बिताने चाहिए आई फील दैट दैट इज अगर कोई जुड़े नहीं तो मैं अपना रिव्यू करूंगी ठीक है कमेंट्स ऑलरेडी आ गए हैं हेलो मसाला मसाला Hey, रोहन आप कहाँ से हैं गाइस जो जो है बताइए आप कहाँ कहाँ से आई'd लाइक टू नो मुझे जानने के मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कहाँ से हैं ठीक है आपस में फ्रेंड्स बन गए कमेंट सेक्शन में सारे चलो अच्छी बातें ग्रीट करते हैं किंग क्या कह रहे हैं मेकर्स ने प्रियंका का गेम ओवर कर दिया मेकर्स दिखा रहे हैं कि वो लोग निमृत को जिताने वाले हैं बट मेकर शिव को ही जिताएंगे क्योंकि उसको कल गेम समझा रहे थे तो किंग एक बात बताओ आप जब प्रियंका को गेम समझाते थे तब क्या होता था जब अंकित को बोल उस बोलते थे अंकित को अपनी गेम खेलने दो तंग मत करो तो फिर क्या होता था दिस इज सो कूल रोहन मसाला को बोल रहे हाय मसाला जी मसाला फसाला ये आपका असली नाम है तो आपको जी करके देखो कितना रिस्पेक्ट दे रहे ठीक है और क्या हो रहा है आई एम फ्रॉम मलगांव नासिक डिस्ट्रिक्ट ओके एक्चुअली टू से आई एम फ्रॉम म्यांमार योर नेबरिंग कंट्री अच्छा आप म्यांमार से हैं ठीक है ठीक है ठीक है हेलो अर्पित हेलो 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 ठीक है तो हाँ मुझे एक बात बताइए कि किंग तो जब प्रियंका को होती थी तो फिर शिव फैंस बोलते थे कि अब प्रियंका को ही करेक्ट कर रहे हैं शिव को करेक्ट कर ही नहीं रहे ठीक है अब शिव को करेक्ट कर रहे तो आप बोल रहे हो प्रियंका को हरा रहे ऐसे नहीं होता है ऐसे होता नहीं है वैसे ठीक है हर एक को करते हैं बट जो कल करेक्ट किया उस पर हम बाद में आएंगे जब हम सलमान खान का सेक्शन डिस्कस करेंगे ठीक है ठीक है पहले हम आ जाते हैं सुबह सुबह जो मैंने कल टॉपिक उठाया था वाइल्ड डिबेट के जो सौंदर्या ने शिव के लिए बोली बिग बॉस ऐसे लोगों को ले आते हैं अगर तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता तो निमृत को बोलो तुम्हें समझा दे तो हम सबको पता है कि उसने किस उसे किस हे ऋतु जी उसे किस तरीके से बोला था वो उसको डिमीन करने के लिए बोला था फिर जब शिव ने पूछा कि ऐसे लोग मतलब क्या होते हैं तो उसने कहा वेजिटेरियन लोग आप किसी को अगर बोलते हो आर यू वेजिटेरियन तो आप उसको ऐसे एड्रेस करते हो ये तो ऐसी है तो हम इतने डम नहीं हम सबको पता है देखो सौंदर्या के अंदर एक इलीटस छुपा है जब वो बिगिनिंग में बोलती थी याद है मेरे पापा क्या है तुम्हें पता नहीं है मैं दिखाती नहीं हूँ फलाना ढिमकाना मुझे लग रहा है गेम में ब्लेंड होने के लिए उसने अपने आप को थोड़ा अर्चना के साथ देसी वाइब्स में और हिंदी बोलने में उसने थोड़ा सा ढाल लिया अपने आप को नहीं तो जो उसकी ओरिजिनल सेल्फ है ना इट इज वेरी आई थिंक इलीट एंड इट्स वेरी लाइक आई एम एजुकेटेड एंड आई एम डेंटिस्ट टू ओ माय गॉड मींस प्रिविलेज्ड तो उसकी वो हॉइटी टॉइटी वाइब है बट मुझे लगता है उससे थोड़ा सा शो में टिकने के लिए ऑडियंस कनेक्ट करने के लिए अर्चना के साथ घूमती है तो उसकी लैंग्वेज में चल रहा करके कर लेती है बात बट अपने पे आएगी तो ये एलिटिस्ट बनती है जो उसका शिव ने इसको यही बोला जिसको सुन के शालीन ने कहा निकालो उसको इसका बहुत हो रहा है ऑब्वियसली शालीन और टीना को तंग करेगी रुलाएगी तो फिर आप बोलोगे ही ना तो
सिंपल सा रीजन ये है, वो आपको परेशान कर रही है सौंदर्य, आपको और टीना को, तो इसीलिए आप बोल रहे हो इसका निकालो, इसका बहुत हो गया। ऑल दो शिफ्ट की ये बात अच्छी लगी, और जब शालीन ने बोला कि ये वीगन वीगन कुछ नहीं होता, जो मुझे शालीन की बहुत स्टूपिड बात लगी और इनसेंसिटिव लगी, तुम्हारा चिकन पे पूरा बिग बॉस के एपिसोड पे तुमने सर पे उठा लिया बिग बॉस के घर में, हम तुम्हारा चिकन चिकन देख के इरिटेट हो गए, इरिटेटिंग कंटेंट, तो सब सही है, तुम्हारा मेडिकल है, अगली को वीगन बनना है वो उसकी चॉइस है। इफ यू इफ एवरीबडी रिस्पेक्ट्स योर चॉइस देन यू शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी एल्सेस डाइटरी चॉइसेस ना, आपकी डाइट पे वो है, उसकी डाइट पे वो है, तो शिव ने वो ही अच्छा जवाब दिया कि लेट्स रिस्पेक्ट दैट, कि अगर उसने एक चॉइस की है कि मैं एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहती तो वो उसकी विश है। तो सिमिलरली जैसे शालीन चिकन खाना चाहते हैं, वो वीगन खाना चाहती है, वो दैट इज टू बी रिस्पेक्टेड, बट जो उसने एक्स्ट्रा बोला शिव को, मुझे नहीं लगता उसको फिर इतना स्टूपिड तरीके से जस्टिफाई कर दी थी वो। यस अर्पित, उसका चिकन चिकन, उसका टोफू कुछ नहीं, एग्जैक्टली बिल्कुल। प्रियंका को क्या मिर्ची लग रही थी कल शिव को देख के, शिव दूर बैठा बात कर रहा है, मतलब प्रियंका आपने सुना भी नहीं अगला क्या कह रहा है, कह रहे हो झूठी स्टोरियां बना रहा होगा, अपने ऐसे सिंपति ले रहा होगा ताकि उसके फैन बेचारा बेचारा समझ के उसको यू नो वोट दे दे कि हमारे शिव को ऐसे बोल दिया, ऐसे लोग वैसे लोग, ठीक है। तो शिव प्रियंका को पता भी नहीं, प्रियंका ही पहले भी कर चुकी है, एक दो बार ही पहले भी कर चुकी है, उसको पता भी नहीं होता शिव क्या दूर बैठा बात कर रहा है, बट वो पहले ही बोलती है ऐसे से कर रहा होगा, वैसे से कर रहा होगा, तो मतलब कॉम्पिटिशन समझती है। कोई लोग बोलते हैं जेलस इनसिक्योर, मैं इसको बोलूंगी उसको वो कंपेटिटर मानती है, तो उसकी नजरें रहती है कि क्या कर रहा है क्या नहीं, एक्शन से वो पहचाना चाहती है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, साइड 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 में कमेंट्स लिखती हूँ। मैम बिग बॉस जानबूझ के प्रियंका, ये मैं पढ़ चुकी हूँ, नहीं मैं पढ़ चुकी हूँ, हाँ किंग का सिमिलर था, ठीक है ठीक है। तो एमसी स्टैन फिर परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं चिड़िया को आजाद करो, टीना टीना कह रही है हम जैसे लोग के लिए तो है ही नहीं ना, हमारे जैसे नेचर के लिए बिग बॉस है ही नहीं। अरे मैडम आप जैसे लोगों की वजह से तो बिग बॉस चलता है, आप वैम्प नहीं बनेंगी तो कोई हीरो कैसे दिखेगा और विनर कैसे दिखेगा, तो आप क्या बोल रहे हो, आपका टेलर मेड हो इस शो के लिए टीना, बल्कि मुझे तो लग रहा है क्यों चली गई बाहर, निम्मो को बाहर करते, निम्मी को रख लिया यहाँ पे, और मुझे समझ नहीं आ रहा जो वाइल्ड कार्ड आया है निम्मी उसको स्ट्रॉन्ग कैसे लग रही है, तो पता नहीं क्या ही देख के आए हैं वो, आई डोंट अंडरस्टैंड। उसका एक एक रीजन यू नो लग सकता है स्ट्रॉन्ग, वो जब हम निम्मो पे आएंगे वीकेंड का वार पे तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। साजिद देखो ना, रादर देन बोलने के रुक जा भाई, देखो स्टैंड फ्रेंड है उसका, स्टैंड फ्रेंड है साजिद का, इनका कोर ग्रुप में चार बॉयज का, अगर निम्मो को निमृत को मैं हटा भी दूँ तो साजिद कह रहे चले जा भाई इधर चले जा, टीना को भी कह रहे तू भी चले जा, सबको भगाने की फिराक में, तू भी जा अच्छा निकलो, सारे निकलो, कम मुद्दे उठाओ, मुझे कम तंग करो, मेरा दिमाग कम खनकाओ। और दोस्त ने ये बात बोली, तुम्हें अगर कोई इरिटेटिंग लगेगा तो दूसरे को भी तुम लग सकते हो, ये घर उसी पे चलता है गिव एंड टेक पे, राइट। सबको सब फैमिली से दूर रह रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये लोग अनोखे नहीं आए, ठीक है। बट स्टैंड मैं समझती हूँ, स्टैंड अलग बंदा है, उसकी दुनिया अलग है, कोई भी स्टैंड का व्यूअर टीवी ऑडियंस नहीं, जो जुड़े हैं स्टैंड की ऑडियंस जुड़ी है, जितने भी 10-20-30% जुड़े होंगे वो यूनिक व्यूअर्स हैं, कलर्स के यूनिक व्यूअर्स वो होते हैं जो हम लोग नहीं होते, हम आम देखते रहते हैं, ठीक है। यूनिक व्यूअर्स जैसे मैं अपने यूट्यूब एनालिटिक्स भी देखती हूँ ना, तो कभी कभी लाइव पे मेरे यूनिक व्यूअर्स आते हैं, मतलब जो मेरी लाइव पे कभी नहीं आए, तो यूनिक व्यूअर्स का मतलब वो होता है, ठीक है। तो शालीन टीना को कह रहा है कि मैंने क्या बोला था, ये बेवकूफ बंदा है, बोल रहा है आई एम नॉट रेडी फॉर यू टू गो, हमने आखिरी पल ब्रेकफास्ट पे साथ बिता लिए, मतलब तुम्हें पता ही अंदर से चली जाए, बट तुम्हें अपना रोमांस फरमाने के तुम जा रही हो, तो टीना कहती मतलब आपको पता है कि मैं जाने वाली हूँ जो आप बोल रहे हो ऐसे, ठीक है। ऊपर से पीछे से बिचिंग कर रहे श्रीजिता वगैरह, जो बिल्कुल सही बात है, श्रीजिता क्योंकि बाहर से देख के आई है तो उसका ओपिनियन शालीन टीना की वजह से वो ही है,
के लिए वही है कि बहुत नेगेटिव है, नार्सिसिस्ट है, मतलब अपने बारे में सोचते हैं, मैं आपका गेम देख लूँ, मेरे को देखो, मेरे बारे में बात करो, मैं ही मैं उस घर में, मैं ही छाया हूँ, मेरे को ये बस खाना है, पीना है, लड़ना है, झगड़ना है, बाकी जो है भाड़ में. इन दोनों का ये एटीट्यूड है, इनसिक्योर है. एंड शालीन इज एक्टिंग डम, विच ही इज. शालीन नोज व्हाट ही इज डूइंग. यार अगले ने बजर नहीं बजाया, बताओ ना, टीना के लिए, ना सुम्बुल के लिए. और 25 लाख रुपए उसने बचा लिए, घर भेज दिया बंदी को, प्यार प्यार करके घर भेज दिया. देख लो, अब देख लो, ये तो आ गया है प्रोमो. इसके बारे में हम कल बात करेंगे जब पक्का हो जाएगा, बट भेज तो इसको, मतलब वो डम नहीं है ना, उसको सब पता क्या हो रहा है, पता उसको सब है. ठीक है, सौंदर्य कह रही है देश निकाला दे दिया इनको, कोई नहीं इनके मुंह लगता. इनकी खुद की करनी है, लोगों को ऐसे कभी इधर कभी उधर जो टीना की हरकतें हैं इस वजह से ही हुआ है. ठीक है, सो अब्दू साजिद से निग्लेक्टेड फील कर रहा है और निम्मी का एक ही रीजन है बोलने का, ही लव्स यू अलॉट. अरे भाई वो निग्लेक्टेड फील कर रहा है, वो शिव से भी निग्लेक्टेड फील कर रहा था, वो अब साजिद से भी निग्लेक्टेड फील कर रहा है क्योंकि उसको है लैंग्वेज इशू. तो आप जरा सा भी उसकी ट्रांसलेशन का ध्यान नहीं दोगे तो वो कट ऑफ हो जाएगा ना घर से. लैंग्वेज ही तो एक जरिया है उसको कनेक्ट करने का, जो सलमान खान ने बाद में पॉइंट आउट भी किया. एक मुझे बात बताओ, स्टैन अपसेट है, वो घर जाना चाहता है. स्टैन के दोस्त कौन है? शिव, साजिद, अब्दू, ये लोग उसके दोस्त हैं. अब्दू के दोस्त कौन है? ये शिव, साजिद, सैन. ये दोनों इतना लोनली फील कर रहे हैं तो इनका किस बात का मग्रूप और किस बात की मंडली और किस बात की दोस्ती की दुहाइयां देते हैं? क्या दोस्ती अब सिर्फ शिव और निमृत के बीच में रह गई है गेम के बारे में डिस्कस करने के लिए? और साजिद क्या जो अब्दू कह रहा है प्रियंका और अंकित से बात करता है गेम डिस्कस करने के लिए, मतलब और चीजें गेम में और बने रहने के लिए? बिकॉज अगर इतनी पक्की दोस्ती है कि स्टैन कह रहा है कि आई वॉज जस्ट वंडरिंग इफ ही इज फीलिंग सो बैड स्टैन के मुझे रहना ही नहीं, मुझे घर जाना है, घर काटने को आ रहा है. अगर आपका एक सच्चा दोस्त है तो फिर सफर निकालना आसान है ना. वो म्यूजिक को मिस कर रहा है अलग बात है, बट वो कह रहा है मेरा मन नहीं लग रहा है. तो फिर ये जो उसने दोस्तियां बनाई हैं वो किस काम की है? साजिद देखो अब्दू से करता है स्टैंड बात, वो दोनों करते हैं, बट वो एक लिमिटेड बात है. उसकी असली दोस्ती शिव से है. तो अगर उसको शिव अटेंड, मैं नहीं कह रही शिव को उसका ठेका लेना देना चाहिए, तो फिर ये जो दोस्ती 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 बोलते हैं, जब इसमें से चार में से दो लोग इतना लोनली फील कर रहे हैं तो फिर ये दोस्ती किस बात की हुई, मुझे समझ नहीं आई. कोई पैनल पे आएगा तो मुझे शिव सपोर्टर हो या कोई साजिद सपोर्टर हो, अगर कोई हो स्टैंड सपोर्टर हो तो इस बारे में ज़रूर बात करे कि लोगों के तो जैसे दोस्त नहीं बनते रियल रिलेशंस. स्टैंड के शिव के लिए ट्रॉफी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था, तो मतलब वो एक सच्ची दोस्ती है वहाँ पे. तो अगर आपको एक सच्चा दोस्त है तो आपका सफ़र ईजी हो जाता है, बट उसका ऐसे हो रहा है कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा इस घर को. ठीक है, यस विनय, मैं ये न्यूज़ कल ही दे चुकी हूँ कि टीना एविक्ट हो चुकी है. मैं इस पर वीडियो भी कल ही बना चुकी हूँ. गाइज लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को, लाइक कर दीजिए. ठीक है, लाइक कर दीजिए. अब आ जाते हैं वीकेंड का वार पे. ठीक है, सलमान का वार, सलमान खान ने डिग. अब गाइज आप इसको भी क्या बॉडी शेमिंग बोलेंगे? ऑल दो जब अर्चना ने स्टैंड के लिए बोला था तो मैंने ही यहाँ पे स्टैंड लिया था, बट अगर सलमान ने शालीन की क्लोथ्स पे और बोला कि इनको ढके रखिए ये आपके महबूब है, तो क्या इसको भी आप बॉडी शेमिंग बोलोगे कि लड़की के बॉडी पार्ट्स के बारे में कैसे बात कर लिया? क्योंकि अगर यही लड़की के बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते तो फिर हंगामा हो जाता. तो क्या सलमान खान ने भी बॉडी शेमिंग की है? सोचिए, होस्ट है वो. इसका जवाब मैं ज़रूर चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि हम बिग बॉस में हर चीज़ जज करते हैं. तो ये भी कल एपिसोड में हुई है, तो जब अर्चना ने सैन को बोला था जो भी ढांचा एंड ऐसा लगता है उसने ये नहीं कुछ नहीं पहना, तो अगर किसी के बॉडी पार्ट्स के बारे में, अर्चना ने सैन की बॉडी के बारे में बात की थी, कल सलमान ने शालीन के बारे में बात की है, तो वो और पॉइंट तब ये आया था कि अगर कोई लड़का अर्चना को ऐसे बोलता तो हंगामा हो जाता, तो अगर सलमान किसी लड़की को ऐसे बोलते तो हंगामा होता. तो आई गेस किसी कुछ कुछ चीजें
ह्यूमर के लिए ले लेनी चाहिए। हम बिग बॉस में एक्चुअली बहुत ज्यादा एक एक चीज को पकड़ के खींच देते हैं और जज कर लेते हैं। कुछ चीजें हंसी मजाक के लिए होती है, आप माने ना माने, आप कहीं जो लड़कों के साथ कर सकते हो और आप लड़कियों के साथ नहीं कर सकते कहीं जो, इट इज अ फैक्ट, और वाइस वर्सा भी होता होगा। ठीक है। आई थिंक आई ऑलराउंडर ना, मेरा पॉइंट नहीं समझे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर जिसको समझ आ गया, जब कोई जुड़ेगा तो मैं बात कर लूंगी। मैं मुद्दा नहीं बना रही, मेरे मन में एक थॉट आया था, वो मैं शेयर कर रही हूँ। इट्स नॉट इवन वर्थ डिस्कसिंग, बट इट डिड कम टू माई माइंड, तो फिर मैंने कहा मेरे को जरूर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, जूजू राम और डॉली पे आ जाते हैं गाइस। ये मुद्दा का एक तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले टीना किसको जो बैशिंग मिली है कल, वो मुझे लगता है मेकर्स ने, हे सिद्धार्थ लॉन्ग टाइम, ज्वाइन कर सकते हो करना, आज जो मेकर्स ने बैशिंग दी है टीना को, मुझे लगता है वो उस हिसाब से दी कि टीना नहीं जाने वाली थी, मेकर्स को भी नहीं लगा था। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, जिस सॉर्ट ऑफ बैशिंग उसको मिली है कल, जूजू राम डॉली, अगर वो जा ही रही थी कल, तो ये मुद्दे कोई क्यों उठाएगा? क्योंकि मेकर्स ने ये एंटिसिपेट किया होगा कि शालीन टीना के लिए तो बजर बजा ही देगा, ठीक है, शालीन टीना के लिए बजर बजा ही देगा, तो मेकर्स को लगा होगा कोई कोई नहीं जाएगा। एक तो गाइस मैंने हर जगह सुना था लोएस्ट वोटेड में निमरित और टीना थी, एक तो ये सुम्बुल आकाश से गए, मुझे समझ नहीं आता, आई डिंट अंडरस्टैंड, एवरीवेयर आई न्यू निमरित एंड टीना वर इन द बॉटम टू, सो आई डोंट नो सुम्बुल वो क्यों लाए बॉटम टू में, क्योंकि मुझे लगा कि उनको एक वो एलिमेंट डालना था कि शालीन आए और दोनों में से किसी के लिए, मतलब उनको एक साइड पे कुछ कुछ होता है रखना था कि शालीन बजर पे होगा, एक एक साइड पे सुम्बुल को रखते, एक साइड पे टीना को रखते, ठीक है। तो मुझे मुझे लगता है कि मेकर्स ने प्रियम्प्ट किया था कि शालीन बजर बजाएगा ही नहीं, तो इसीलिए पूरा वार टीना पे ऐसे चला है। नहीं तो आप बताओ कौन जुजू, कौन डॉली और कौन राम, हमको क्या लेना देना भाई, व्हाट इज इट टू अस। एक सलमान खान ही बोल के छोड़ सकते थे ना कि यार ये मेंशन मत करना, ये अच्छा नहीं लग रहा, बस इस पे आपने पूरा आधे घंटे का वीकेंड का वार चला दिया, जो कंटेस्टेंट जाने वाला है। मैं मानती नहीं वैसे ये बात, और श्रीजीता को भी लाए घर के अंदर है ना, तो श्रीजीता को लाए, पूरा वीकेंड का वार चला, तो मुझे नहीं लगता मेकर्स को भी लग रहा था टीना जाएगी, उनके लिए भी ये शॉकिंग होगा। तो अब देखते हैं आती है कि नहीं आती, मुझे कम ही लग रहे हैं चांसेस, बट मेरे को लगता है इट्स अ सरप्राइज फॉर द मेकर्स ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं बता दूं किस जिसको ना पता हो, डॉली ब्रांड एंड बज एक पीआर कंपनी है, उसकी हेड है, ठीक है, जिन्होंने बहुत विनर्स को मैनेज किया है, सिद्धार्थ शुक्ला, हीना खान, इन सबको मैनेज किया है, ठीक है, और अब टीना को भी कर रहे हैं, शालीन को भी कर रहे हैं, तेजस्वी प्रकाश को भी, ब्रांड एंड बज डॉली की कंपनी, ब्रांड एंड बज ने हैंडल किया था, सीईओ है वो ब्रांड एंड बज की डॉली, और अपेरेंटली राम जो है उनके हस्बैंड है, जो इंडिया फोरम्स के ओनर है, जितनी न्यूज मुझे आई, जितना मैंने पढ़ा है। आई डोंट ऑथेंटिकेट दिस, बट इट्स ट्रू। पीआर कंपनी संदीप गांगुली जी जो पीआर संभालती है, जो पब्लिक रिलेशन संभालती है, जैसे कभी कभी ट्रेंड्स ऑर्गेनाइज करना, आप ऑडियंस से जैसे कैसे कनेक्ट रखना, ठीक है, और जैसे इंस्टाग्राम पे जो जो स्टोरीज पोस्ट जाते हैं उनको वैलिडेट करना, वोटिंग अपील्स, ऑल दैट, पीआर मींस पब्लिक रिलेशंस, के एक मीडिएटरी कंपनी होती है जो आप लोगों से एक रिश्ता बना के रखती है थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल, क्योंकि कंटेस्टेंट घर के अंदर होता है, सो दे नीड समबडी टू हैंडल द अकाउंट्स, एक ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करे कि वोट पड़े। अब जैसे कई जैसे फॉर एग्जांपल शालीन की बड़ी धज्जियां उड़ाई थी चिकन को लेके, तो शालीन ने एक आर्टिकल निकाल दिया था उसकी पीआर कंपनी के ने कि देखो ये आर्टिकल शालीन ने लिखा है या कुछ करा है, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो ये आपकी इमेज का भार ख्याल रखती है आपकी पीआर कंपनी। सो डॉली जो भी है वो ओन वो सीईओ है उस कंपनी के, एंड टीना एंड शालीन आर मैनेज बाय द सेम कंपनी, दैट इज वाई कल इसीलिए सलमान खान ने हिंट दे दिया कि
वो एक्ट करके कि देखो डॉली सामने बैठी है, जोजू सामने बैठे हैं, अच्छा डॉली तुमने बोला एंगल बनाने के लिए, बट टीना को तो एंगल बनाना ही नहीं, तो फिर डॉली तुम क्यों बोल रही हो, क्या मतलब है उसका? वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर, जब टीना स्टेज पे आई थी उसने बोला था मैं तो लव एंगल नहीं चला, मैं तो लड़का ढूंढने आई, ये बोला ना बिग बॉस के घर में सबको प्यार होता है, मैं तो अपने लिए लड़का शादी करने आई हूँ, उसने ये बोला। फिर जब वो अंदर गई उसने शालीन जो कल दिखाया भी था सीन, उसने बोला कि मैं तो डॉली को बोल के आई हूँ, मैं कोई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाली, कौन है डॉली, पीआर, मतलब वो अपने पीआर को बोलने आई थी, मैं कोई प्यार व्यार करके पब्लिसिटी स्टंट नहीं करना चाहती। शालीन ने क्या बोला, हाँ मैं भी बोल के आया उसको। और अर्चना ने भाई क्या डिकोड कर, मतलब डिकोड कर दिया उस बंदी ने, आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा कितनी इंटेलिजेंस देखो यार उसकी। तो बेसिकली उस पे आएंगे बाद में, सलमान ने पूरा हिंट दे दिया कि डॉली ने बोला कि ये लवेंगर करो, क्योंकि वो डॉली से इमेजिनरी बात कर रहे थे। अच्छा डॉली उनको नहीं चलाना लवेंगर, डॉली तुम क्यों बोल रही हो लवेंगर चलाने के लिए, डॉली क्यों क्यों, तो इट्स अ डायरेक्ट हिंट कि क्या है क्या नहीं। और फिर वो जूजू को थ्रेटन कर रही है दूसरे कंटेस्टेंट्स के नाम से, जूजू बहुत लोग कह रहे हैं अली मर्चेंट है, अली मर्चेंट अगर लॉकअप आपने देखा था, अली मर्चेंट जो उसमें आए थे वो जूजू है, क्योंकि वो टीना के बहुत पुराने फ्रेंड है, बहुत लोग कह रहे हैं उनका पेट नेम जूजू है, तो वो ही जो जूजू बोल रहे हैं वो अली मर्चेंट। अब मैं कुछ वैलिडेट नहीं कर रही, बट जो ओनली चीज मैं वैलिडेट कर रही हूँ कि मुझे बड़ा मजा आया जब अर्चना जूजू की बॉटल बना के ले आई, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है कॉमेडी का उसका, बॉटल पे जूजू लिख के आई, वो कह रही है हेलो सर, जूजू नहीं करना, शिव भी बोल रहा अच्छा ओके जूजू, मुझे दैट वाज क्वाइट फनी। ठीक है, टीना को ह्यूमिलिएशन लगी, उसे रोना शुरू किया, रोना शुरू किया, कन्फेशन रूम में गए, भाई कन्फेशन रूम में तो पलट सत्ता ही पलट गई, मतलब हालात बदल गए, जज्बात बदल गई, वो सीन हो गया। तो शालीन की बैंड बजाने लग गई बाहर, वो उसको बाबी डॉल बोल रहा है और ये अंदर धज्जियां उड़ा रही है उसकी, ऐसी ऐसी बातें बोल रही, तो बदतमीज है, मेरे को तो स्टैंड लेना है एज अ वुमन, मैं ले नहीं सकती। देखो अगर आप रुकते भी ना इस घर में, आपने अपनी गेम तो खत्म कर दी थी ये बोल के, आपने अपनी गेम खत्म कर दी है बोल के कि मैं अकेली नहीं खेल सकती, घर में बात करने के लिए कोई नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू बी विथ शालीन, बट मैं उसके लिए उसके साथ इसीलिए हूँ क्योंकि मैं ट्विटर फेसबुक की लाइव बंद कर रही हूँ, गाइस इधर आ जाइए। हाँ जाइए यूट्यूब पे और लाइक कर दीजिए गाइस, लाइक करिए, थोड़ा दयालु बनिए प्लीज। सो यस मनजोत सिंह जी, टीना आउट होगी, मैं वीडियो बना चुकी हूँ कल इस पे और कल लाइव में भी अनाउंस कर चुकी हूँ मैं, आप देख सकते हैं वीडियो मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है ठीक, सो बेसिकली उसने ये बोल के अपनी गेम खराब कर दी ना गाइस, कि मैं तो कटना चाहती हूँ शालीन से, बट और कोई है नहीं बात करने के लिए, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है मेरी, तो मैं तो वो डिसरिस्पेक्ट करता है, मैं तो एज अ वुमन स्टैंड भी लेना चाहती हूँ। दो बातें हैं इसमें, तो क्या आपका प्यार झूठा है? सलमान ने बोला आप आई आई लव यू भी बोल चुके हो और आप बोल रहे हो मैंने तो एज अ फ्रेंड बोला था, आपने गलत गले लग के उसके कान में एकदम रोमांटिक वे में आई लव यू शाह ऐसे बोला था, सब सबको याद है, मुझे याद है, सबको याद होगा, कैमरे कैमरा बिल्कुल ऐसे देख रहा था और टीना के ऊपर कैमरा था, एवरीवन नोस शी सेड आई लव यू, सलमान सेड, और सलमान सेड के यस शीला जी मैं दिल्ली से हूँ, इंडिया मेरा भारत महान। सो कह रही के मैंने एज अ फ्रेंड बोला था बडी, तो सलमान ने क्लियर कर दिया कि शालीन ने भी रोमांटिक वे में लिया है इसको, ही हैज आल्सो टेकन इट इन द रोमांटिक वे। तो कल प्रेस किया सलमान खान ने सुम्बुल को, सुम्बुल पे या सुम्बुल पे कितने कितने बार चल चुके, प्रियंका अंकित पे कितने चल चुके, वो ले गए टीना तो एक बार करके वार कर दिया, इस पे हालत क्या होगी, इतनी वीक है। तो टीना ने अपनी गेम जो कन्फेशन रूम में बोला ना उससे खत्म कर दी, क्योंकि जब आपने बोल दिया वो बदतमीज है,
मुझे उसके साथ रहना नहीं है, तो आपने पहले ही प्रूफ कर दिया कि आप फेक हो, आप प्यार व्यार नहीं करते, आप उसको आई लव यू ऐसे ही बोलते हो। अर्चना को भी बोला कि अर्चना कितनी कितना कुछ सहा उसने, सहा इन द सेंस कि जब वो घर के बाहर गई पूरा घर उसके अगेंस्ट था, वापस आई डट के खड़ी हुई, नेचर चेंज थी क्या उसने, और दोस्त बनाए। तो ये होते हैं ना स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। मैं तो बोलूंगी सुम्बुल भी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पैशन लेके खड़ी हुई है यार आज, वो भी जो भी कह लो आपको अच्छी लगे ना लगे, बट इतनी पड़ी उसको, बट फिर भी क्या है ये एपिसोड। हेलो ईशा, क्या है ये शो, गिर के खड़े होना, गिर के खड़े होना। विनर्स देखो गिरे हैं कितनी बारी, बट जो उठ के खड़ा हो गया बस वही विनर बन गया। ये टीना निमृत है ही नहीं उस कैटेगरी के, इतने वीक है ये निमृत को। आई एम सॉरी टू यूज दिस एज अ रिव्यू में भी कि अभी नहीं पढ़ सकती कमेंट्स, मैं मसाला फसाला में डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, मैं रिव्यू दू कमेंट्स पढ़ू, जब पैनलिस्ट ज्वाइन होंगे तब मैं हाईलाइट करूंगी कमेंट्स। ठीक है, सलमान ने सिंपल फंडा बोला, आप अपनी तरफ इस घर का रूल है, आप अपनी तरफ से सही करो, आप सही करोगे ऑडियंस प्यार करेगी, आप आगे जाओगे, अपने आप आएंगे सारे चेले चपाटे, अपने आप आएंगे। जब देखेंगे ना आपकी ग्रोथ शो में, देखेंगे कि आपको अच्छा फीडबैक आ रहा है, अपने आप जुड़ेंगे। अगर आप बोलने जाओगे और नीडी बनोगे फिर क्या ही, आप क्या ही जीतोगे और क्या ही आप शाइन करोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो वही सलमान खान कह रहे थे कि सिंपल है, प्ले योर ओन एफिंग गेम, कल बोल दिया उन्होंने लाउड एंड क्लियर हाउसमेट्स को, अपनी अपनी गेम खेलो। ऑल्दो अर्चना ने अच्छा डिकोड किया, ये डॉली बिचोलिया है गाइस, आपको पता बिचोलिया क्या होता है, मतलब मीडिएटर। डॉली ने बोला मैं उसकी इंटेलिजेंस की दाद देती हूँ, डॉली ने बोला फेयर कर लो, उसने बोला नहीं नहीं जूजू को बुरा लगेगा, मैं डिक्लेयर नहीं करूंगी। वो जो सीन हुआ था उससे क्या बोला, जीतने की जरूरत नहीं, 6-7 टॉप में आ जाओगे, सीरियल मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, ऐश करो। और निमृत और आगे वाले लोग हंस रहे थे, जब निमृत ने वो सिली लाफ दी, मैंने कहा तुम इतनी अनअवेयर हो इस घर में, और वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो इतनी सी बात हुई उसको भी अर्चना ने डीकोड कर दिया। हेलो ऋतु शर्मा जी, रोज के हम कनेक्ट करते हैं व्यूअर्स, है ना, सबको पहचानिए। अर्चना ने क्या डिकोड किया और निमृत ऐसे हंसी, हाँ रियली, मतलब शी वाज लाफिंग इन अ वे कि क्या डम्बा कर रही है निमृत, तुम्हारी वो सिली लाफ दिखा रही है, तुम कितनी अनअवेयर हो और वो कितनी अवेयर है घर में। ठीक है, मंडली पे आ जाते हैं टॉपिक पे, मंडली के टॉपिक पे। देखो सलमान खान ने लाउड एंड क्लियर मंडली का राजा लीडर डिक्लेयर कर दिया था, साजिद खान जो हम तो डे वन से ही बोल रहे हैं, जिनको नहीं मानना था वो ना माने, मैंने तो अपने रिव्यू में हमेशा बोला ही साजिद खान की मंडली। अब वो शिव फैंस हैं या कोई भी फैंस है, उनको लगता है शिव इज द लीडर, तो आप करो सपोर्ट, आप मानोगे नहीं, मैं मानती हूँ फैंस ऐसे ही होते हैं, बट हम जो न्यूट्रली देखते हैं, जिनको कोई लेना ना देना, हम बोल मैं तो डे वन से बोल रही हूँ साजिद की मंडली है ये। जो मुझे इरिटेटिंग लगा कल, निमृत हंस क्यों रही थी ऐसे, बेसिकली सलमान खान आपकी बैंड बजा रहे थे, जरूरी नहीं है वो चीखे चिल्लाया, व्हाई वाज शी लाफिंग, मुझे इतनी इरिटेशन। गाइस आप लोगों को इरिटेशन नहीं हो रही थी निमृत जैसे सलमान के फीडबैक पे हंस रही थी, वो आपको बोल फॉलोअर बोल रहा है, सलमान खान बोल रहा है ये फॉलोअर है, ये कोई जीतने नहीं वाले, लीडर ही जीतेगा, और लीडर की गेम इतनी स्मार्ट है कि वो तो आगे निकल गया, वो इधर भी रख रहा है उधर भी रख रहा है, और ये सिर्फ फॉलोअर बन के रहेंगे, और निमृत हंस रही है। ये मुंह क्यों नहीं खोल रहे थे कल दोनों, देखो स्टैन के लिए तो था नहीं, वो स्टैन भी है इस ग्रुप पे, बट स्टैन का कोई लेना देना नहीं, स्टैन को रोक रहे हैं वो सिर्फ उसके फैंस की वजह से, अब्दू का कोई लेना देना नहीं है। ये इंडिकेटेड निमृत तो शिव की तरफ था, तो ये मुंह क्यों नहीं खोल रहे, तभी भी वो लगे हुए साजिद सर को उस वो करने में लगे हुए। यार मैं रिस्पेक्ट समझती हूँ, सलमान खान ने बोला भाई मुंह खोलो, तुम बीबी मराठी के विनर हो, ये कितना गंदा टॉन्ट था, कितनी बेइज्जती की बात थी, आपको सलमान खान याद दिला रहे हैं बीबी मराठी के विनर। वो हंसे ना दोनों, मैंने कहा यार कमाल हो गई, वो आपको बोल रहे हैं आप नहीं जीत सकते ऐसे,
आप फॉलोअर बन के नहीं जीत सकते, यू हैव टू प्ले योर गेम। वो हंस रहे हैं, और जब पूछा ना कि कौन कौन फॉलोअर बन के या कौन कौन ग्रुप में खेल रहा है, किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, बट कैमरा ने शिव और निमरित पे फोकस किया। जाके देखना कल के एपिसोड में, जब किसी ने नहीं, सलमान हंस रहे थे ना, सलमान ने बोला सबको पता है कौन ग्रुप में खेल रहा है, फोकस वाज ऑन निमरित एंड शिव। अगर सलमान खुला मौका दे रहे हैं आपको, सब पहले बिग बॉस को लगा खुद आएंगे अपनी गेम में आएंगे, कन्फेशन रूम में बुला के अंकित और साजिद के खिलाफ बोल लिया कि उनकी बात मत मानो, तुम तब नहीं माने, अब तुम्हें सलमान खान डायरेक्टली बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई, साजिद सेल्फ प्रोक्लेम गुरु बने हुए, मैं तुम्हारे साथ हूँ निमरित शिव, बोलो, बोल ही नहीं रहे, अरे रूड मत हो, मुंह तो मुंह खोल के बोलो तो सही। थैंक्स जीजे, तुमको गेम खेलनी है, तुम नहीं चाहते कि अंकित सुम्बुल इधर आए, साजिद चाहता है, वो प्रॉब्लम है तो बोलो। सलमान क्लियरली सेड मैं खड़ा हूं यार, यार बोलो, तब भी नहीं बोल रहे, हंस रहे हैं। अरे यार फाउंडेड, मैंने कही ये कैसे प्लेयर है यार, ही हंस रहे हैं। अब शिव वाले ये ना बोले कि शिव को हिंट नहीं दिया, बात नहीं हुई, ठीक है, ये कोई मुझको बोले नहीं कि अब उसको हिंट नहीं दिया, उसके बारे में बात नहीं हुई, इससे ज्यादा कुछ क्लियर नहीं दे सकता। अगर तुम फिर भी हंस रहे हो, देखती हूँ एक वीक ये देखूंगी, और आई होप उसको पहले भी हिंट दे चुके हैं ये, मैं दो हफ्ते से बोल रही हूँ, अब तो हिंट दे दी, शेखर सुमन मंडली चमचों का हिंट दे चुका है ना, फिर बिग बॉस से बुला के तुम्हें बोल लिया इंडिविजुअल खेलो कन्फेशन रूम में, जब टीना निमरित और शिव को बुलाया था, अब ये तीसरी बार हो गई, अब तो डायरेक्टली बोल दिया, फिर राशन वाली बात पे बोल रही है, नहीं नहीं वो भी करते हैं हम भी करते हैं, फिर अंकित सुम्बुल की बात से, ये प्रॉब्लम है अंकित सुम्बुल की, अंकित की तो है। यस राखी, आई एम फिनिशिंग माय रिव्यू इन 5 मिनट्स, देन आई विल गिव द लिंक, अदरवाइज आई गेट डिस्ट्रैक्टेड जब कोई स्क्रीन पे होता है। 5 मिनट्स, लिटरली 5 मिनट्स, आई एम ऑलमोस्ट डन। प्रॉब्लम थी ना अंकित को क्यों बचाया, तो फिर क्यों नहीं बोले कल, नहीं नहीं उनकी वहां भी दोस्ती है, एंड में वो बोल रहा है मैं किसी के पास जाके नहीं बैठूंगा, मेरा ऑडियंस कनेक्ट है, कौन सा कनेक्ट, आओ तो सही बाहर देखो तो सही, कैसी ऑडियंस साजिद, कौन सी ऑडियंस, आओ तो सही, फूलों का हार लेके खड़े लोग आपके लिए, और कह रहे मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मेरा कनेक्ट टूटता है। निमरित और वो तब भी कह रहे अरे सर हमारा थोड़ा ना इक्वेशन खराब होगा इससे, सही है मुझे क्या लेना देना, जो मर्जी करे, अब शिव के फैन जाने वो जाने, ठीक है। वो बोल रहा है शिव ये बहुत प्यार से बोला कि वो बोल रहा है कि जब लड़ाई होती है दो लोगों की, साजिद आके सॉल्व करा देता है, एक एक तो वो बिग बॉस भी नहीं चाहते और वो शिव भी नहीं चाहता ना, मतलब प्रॉब्लम है ना उसको इस बात से, तो जब सॉल्व कराता है तब क्यों नहीं बोलता, पूरा मुद्दा खत्म होता है यार उसका। अगर साजिद सॉल्व करवा रहा है, फॉर एग्जांपल टीना उसकी सॉल्व करा दी, आपको नहीं अच्छा लग रहा मना करो ना, साजिद सर मुझे नहीं करनी सॉल्व, तो बोले क्यों नहीं, कल भी शर्मा के बोले, जो बोल नहीं सकते वो जीतेंगे क्या, ये तो बोलने का शो है, पता नहीं भाई मेरे को तो ये, और आई तो डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। और ये जो बार बोला है ना, ही इज प्लेइंग, यू गाइस हैव नो चांस, ये सिर्फ ये पहले सिम्बा को भी बोला था गाइस, पिछले सीजन में सिम्बा को भी बोला था, ये सिर्फ डराने के लिए होता है कि भाई वो अपना खेल रहा है, आगे जा रहा है, वो इधर भी है उधर भी है, मैंने क्या बोला, घर से बाहर निकल के देखूंगी मैं कितनी क्या रहती है, ठीक है, आप भी यही हो मैं भी यही हूं, ठीक है। दो टॉपिक बचे, खत्म करके मैं लिंक दे देती हूँ, आ जाओ फिर भी मैं बात करती हूँ। एमसी स्टैंड से जैसे सलमान ने कल, देखो यार ये शो नोबडी कैन होस्ट लाइक एसके, कल क्या होस्टिंग लगी मुझे, एक से एक जो उन्होंने जोक मारे हैं, ठीक है, सीधा उन्होंने क्या बोला, ट्विटर पे क्विटर बोल देंगे तेरे को, दरवाजे पे डॉली आई है, कहते नहीं नहीं ट्रॉली आई है, और जिस तरीके से बेसिकली मेरा पॉइंट ये, जिस तरीके से सलमान ने कल स्टैन को रोका ना और बात की, वो
ये होस्टिंग सलमान खान ही कर सकते, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो जो उसकी खोखे, कितने खोखे की बात की, कितने पैसे, दिस दैट फलाना, हेलो मोहम्मद जी, जो बात हुई ठीक है, लिंक पिंड है गाइस, इसको आने आ जाओ। और उसने ऑनेस्टली स्टैन ने जो रिप्लाई भी कर दिया, सब 50 की, मेरा रेट 25 है, वो स्टैन की भी सिंप्लिसिटी दिखाता है। ही इज अ सिंपल टन, घर है नहीं उसके लिए, बट ठीक है, हम सबको क्यों, हम सबको पता है वो क्या है। अब गाइस ब्लिंक मांग रहे थे, अब दिया तो आ नहीं रहे, आओ आप कहो गाइस, जाकी आपको आना था, आओ अब नहीं आना, ठीक है। हेलो मोहम्मद जी, हेलो हेलो, हेलो मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ओडी को मिस कर रहा हूँ, ओडी को और राजेश सर को। राजेश का जो वे ऑफ टॉकिंग था ना, वो बहुत जबरदस्त होता है। मगर मैं 3-4 दिन से राजेश को मिस कर रहा हूँ। राजेश बहुत कमेंट्स में अच्छा आते हैं। है। हाँ, मगर मैं तो चाहूंगा कि वो आए, हम तो उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। बड़ी दबंग आवाज है यार, बहुत जबरदस्त स्टाइल है उनका। खैरानी पे बिग बॉस की तरफ आते हैं। राजेश जी सुन रहे तो आ जाइए, ओडी सुन रहे तो आओ आ यार जाइए। राजेश भाई, हम तो आपके फैन है यार। अच्छा, ओडी को भी, ओडी के भी पॉइंट बहुत वैलिड होते हैं, बहुत जबरदस्त बोलता है ओडी। ओडी को भी जब बोलने पे आता है, मैं कहता हूँ कि क्या गजब का बोलता है। हेलो जैन मैम, क्या नाम, बहुत जबरदस्त बोलता है ओडी भी। ओडी को भी सुन के मजा आता है, क्योंकि वैलिड पॉइंट होते हैं। मेंटल अप्रोच उसकी बिल्कुल क्लियर है, वो अपने अंदाज में बोलता है, तो उसका बहुत जबरदस्त रहता है। खैर, वापिस आते हैं, बिग बॉस की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैं जो आपने जहाँ पे खत्म करा है, वहीं से मैं शुरू करूंगा। शिव को और निमरित को बिठा के दो दफा बिग बॉस एको आ मतलब रही है जा, ना किसी के माइक से? एक सेकेंड जैन, आपके माइक से? हाँ, आपके माइक हाय से हाय, ही है, मेरे माइक से आ रही है। आ आ रही। रही, अब नहीं, ठीक। आपके माइक से नहीं आ रही थी, वो शायद रोहित के आ रही थी। अच्छा अच्छा सॉरी, अच्छा दोनों अब से। वो जो ना, क्या नाम, यहाँ पे ना जिस तरह शिव को और क्या नाम निमरित को बिठा के दो दफा बिग बॉस ने भी बैठ के कन्फेशन रूम में समझाया, सब कुछ समझाया, खुल के समझाया, बताया कि क्या डायरेक्शन लो, क्या एक्शन लो, क्या किस तरह खेलो। वही चीज जो कल मैं आपसे बोल के गया था कि भाई अब तो हम गेम देखना चाहते हैं, हम तो देखना चाहते हैं टीना टीना कैसे खेल रही है, शिव कैसे खेल रहा है, प्रियंका कैसे खेल रही है। अब इंडिविजुअल खेलो, अब टाइम नहीं है, 4-5 हफ्ते का गेम रह गया। यही चीज कल सलमान खान साहब भी बोल रहे थे कि भाई अब खुल के आ जाओ, सामने आ जाओ, मुकाबले का टाइम है। अब कहने का मकसद है कि शिव को और क्या नाम ये निमरित को समझ क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं खुल के बोल रहे। कल भी वो शिव की जो मैं बातें सुन रहा था, सलमान सर आप बुरा मान, आप बुरा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा सर ये, सर आपको अच्छा नहीं लगेगा सर ये बात। भाई वो क्या कहना चाह रहे हैं तुमको, और कितना खुल के बताएं, क्या बताएं तुमको, तुम्हारी यानी कि तुम्हारे से क्यों नहीं स्टैंड लिया जा रहा है। तुम अपने लिए, वो कहते हैं सलमान खान साहब कह रहे हैं अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए बोलो, अपना पॉइंट रखो। क्या तुमने यहाँ पे सिर्फ टारगेट करना है, तो यहाँ पे प्रियंका के गेम को टारगेट करना है या अर्चना के गेम को टारगेट करना है? बाकी तो आपने किसी के गेम को कोई टारगेट ही नहीं करते हो, आपकी कोई ओपिनियन ही नहीं है, कोई चीज आपकी आगे नहीं बढ़ के दे रही। खैर एनीवे, बात यह है कि कहना, बस मैं काफी लंबा बोल गया, सॉरी। मगर यह है कि शिव को और निमृत ने कल बड़ा मायूस करा, इतना सब कुछ बोलने के बावजूद उनके मुंह से कुछ अल्फाज नहीं निकल रहे थे। सर प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल। हाँ जी मैम, मैं हाँ जी मैम, रोहित जी बोलिए। नमस्ते। यस, हाँ नमस्ते मैम, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पिया, रोहित जी है, मैं आप ये भी पढ़ देती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, अर्चना ने शिव के मराठी विनर की बात की थी तो बाहर लोगों ने उसको मराठी लोगों से जोड़ दिया, कल सलमान ने भी बोला अब क्यों नहीं ट्रेंड कर रहे, अरे यार वही। मेरी मुंह की बात छीन ली, मेरी मुंह की बात छीन ली, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मुंह की बात छीन चलो ली। बोलो बोलो। मैं ये बोला था, मुझे ऐसा लग रहा है स्टैन को टीआरपी के लिए बिग बॉस यूज कर रहे हैं और दोस्ती के लिए शिव यूज कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक बात और दूसरी बात ये है मैम कि निमृत और शिव दोनों एक दूसरे के खिलाफ होने से डर रहे हैं, कि या तो शिव विचार कर रहा है कि मैं अगर इससे, अगर इसको कुछ बोलूंगा तो या तो मेरा गेम या वीक हो जाएगा या ऊपर चला जाएगा। निमृत का भी ऐसे हो सकता है माइंड में कि मैं भी इसके खिलाफ कुछ अभी बोल नहीं सकती हूँ, अभी नहीं बोल सकती हूँ, आगे जब भी आएगा मौका, जब अकेले खेलने की बारी होगी, जब भी ऐसा कुछ आएगा, तो ये लोग आपस में डर रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद साजिद खान के बारे में कुछ भी गलत अभी तक नहीं बोल रहे हैं,
साजिद खान खुद बोल रहा है कि अब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, इसलिए नहीं आऊंगा कि तुम्हारे माइंड में मेरे लिए कुछ और निकल जाएगा। मतलब ये लोग दोनों खुल के नहीं बात कर रहे हैं, ये दोस्ती को सिर्फ यूं पकड़ के, सिर्फ पकड़ के रखे हैं, बाकी इनके आपस में कुछ भी नहीं। बल्कि अब्दू के लिए भी इनके दिमाग में कुछ नहीं है, स्टैन के लिए भी कुछ नहीं है। जब वो निमृत ने बोला था कि निमृत ने स्टैन का नाम नहीं लिया है, जब वो उन्होंने बोला था कि मेरे कुछ होता है तो मैं अब्दू, साजिद सर और शिव से मैं बात करती हूँ, मतलब स्टैन स्टैन को अभी वो दोस्त नहीं मानती और स्टैन भी उसको दोस्त नहीं मान रहा। प्रॉब्लम ये आ गई है कि स्टैन ने शिव को दोस्त माना है और शिव ने निमृत को दोस्त माना है। स्टैन इसलिए इतने दिनों से मायूस लग रहा है, वो ये चाहता है कि थोड़ा सा तो निमृत से अलग होके हमारे साथ कुछ खेल सकता है या हमारे साथ कुछ बात कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। यस वरुण राजेश जी, मेरे को बात करनी थी इस बारे में, वाइल्ड कार्ड के बारे में, बट इस टॉपिक के बात करूंगी। बहुत लेट हो रहा था, आई थिंक लोगों को ज्वाइन करना था, रिक्वेस्ट आ रही थी, तो जब मैं इस बारे में बात करूंगी हम पूरा एक सेगमेंट इस पे करेंगे, मैं सबके पॉइंट्स लूंगी उसमें, ठीक है। यस जाकी बोल लो फिर जय। या हाय साक्षी, हाय एवरीवन। हाय हाय सो बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगा कल से, जिस तरह से अर्चना ने डिकोड किया है कल गेम। वो बोल रही थी कि ये डॉली इन दोनों की सेम है और इन दोनों को प्लान करके भेजा था लविंग इन बनाना, तो वो दैट वाज द बेस्ट पॉइंट, जिस तरह से अर्चना ने महफिल लूट ली थी उसने, ट्रस्ट मी कल। और सेकेंड पॉइंट, थोड़ा सा मेरा एक पॉइंट है कि अगर आप देखेंगे कल जो शुक्रवार का वार हुआ उसमें सलमान खान ने बोला कि साजिद मास्टरमाइंड है, राइट। लेकिन उससे एक दिन पहले कन्फेशन रूम में शिव को, टीना को और निमृत को बुलाकर बिग बॉस ने बोला था कि आप कितना वेट उठाते हो, कितना वेट उठा लोगे, जो बोला था एग्जैक्ट नहीं पता। तो वहां पे वो उसको जताया गया कि भाई तुम ही सबको लेकर चल रहे हो, बट कल आकर सलमान खान ने साजिद को बोल दिया कि साजिद आप लेकर चल रहे हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद साजिद जो है सिर्फ सरफेस पर है, इन्होंने शिव को हिंट दिया सलमान ने ये बोलकर कि तू मराठी बिग बॉस का विनर है, तो विनर जैसा अब तू खेलना शुरू कर, उसको हिंट दिया। लेकिन उस टाइम पे शिव बोला ही नहीं, क्योंकि शिव को, मुझे ऐसा लगता है कि शिव को पता है उसे अपना गेम कैसे खेलना है, क्योंकि वो जीत कर रहा है, उसे पता है कि बाहर की बातों से बिग बॉस अपना गेम खेलेगा, मैनिपुलेट नहीं होना। तभी उसने बाद में भी अगर आप देखेंगे तो जब डिस्कशन किया था साजिद ने भी, तो उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उसे समझ में आता है, मुझे लगता है शिव को कि क्या चल रहा है। और थर्ड पॉइंट, जैसे अभी शायद आपने, आप ही बोल रहे थे, मतलब जब मैं डिबेट सुन रहा था कि कौन सा पॉइंट था, हाँ शिव का, वो उसका उसका बोल रहे थे आपके शालीन का और ये जो सुंबुल वाला ये टास्क हुआ, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई कमेंट करना ठीक नहीं, क्योंकि प्रोमो में कुछ और दिखाते हैं और निकलता कुछ और है बिग बॉस में, वहां पे क्या टास्क डिस्कस किया नहीं। जो वो स्टार्टिंग में जब आपने किया था, तो उस पर कोई कमेंट करना कोई वो नहीं है कि क्या हुआ, वो समझ में आएगा हमें, बट ये तो आज फॉर श्योर है इससे कि शालीन फेक है बिल्कुल। उसने टीना से लव एंगल्स बनाया, सिर्फ गेम के लिए बनाया, उसने पहले सुंबुल को यूज किया और फिर टीना का यूज किया, तो वो आज उसकी जो फेकनेस है वो, और आज मुझे लगता है शालीन का पूरा गेम खत्म हो जाएगा जो उसने सोचा उसे। मैं कल भी यही बोल रहा था कि शालीन को समझ ही नहीं रहा गेम खेलना कैसे, वो सिर्फ दूसरे के कंधे पे चल के चल रहा है। दूसरी चीज स्टैन और ये इन सबको प्रॉब्लम हुई कि निमृत से शिव बहुत ज्यादा क्लोज हो गया, जब से निमृत आई है अगर आपने ऑब्जर्व किया तब से ही ये सैड है अब्दू और। हाँ आप बोल रहे थे कि साक्षी के अब्दू शिव और ये सैड है तो वो दोस्त कैसा साज, तो मुझे देखिए आप अगर स्टार्टिंग से देखेंगे शिव के लिए उसने स्टार्टिंग में सबको कंसोल करके चलता है, वो साजिद से बोलता है कि सर मैं हूँ, निमृत के भी सर पर हाथ रख के चलता है। अब्दू को कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो शिव के पास ही आता है और वो कंसोल करता है शिव उस टाइम पे उसको, बट उसे अपना गेम भी तो खेलना है थोड़ा सा, तो अगर इन्हीं सारी चक्करों में लग जाएगा तो गेम कहाँ से खेलेगा, क्योंकि गेम परस्पेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो शिव ही गेम खेल रहा है, वो अच्छा खेल रहा है बुरा खेल रहा है, बट गेम तो शिव ही खेल रहा है जितने भी है यहाँ पे, क्योंकि दो ही मुझे सही लगते हैं पर्सनालिटी वाइज, अंकित अच्छा और गेम पॉइंट ऑफ व्यू से शिव मुझे अच्छा लगता है। कोई शिव की गेम, कोई मैं मूव ऑन करूंगी जैन के पास, कोई शिव की गेम मुझे डिकोड कर दे तो मैं उनको शुक्रिया अदा जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ नहीं रही है जैन। शिव को है ना अभी तक मैं पसंद नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ साजिद एंड निमृत, बट उसकी जो गेम है अभी तक की जितनी भी गेम उसकी मैंने देखी है, वो उसकी गेम यही थी कि उसके खुद के मुद्दे नहीं थे, वो दूसरों उसके दोस्त के जितने भी मुद्दे थे उसमें ही वो जंप करता रहा। कल आई थिंक फर्स्ट मुद्दा उसका खुद का बना, वो टोफू वाला,
फर्स्ट मुद्दा, दैट वॉज द फर्स्ट मुद्दा ही हैड, वही वो मुद्दा जो खुद उसके पास चल के आया है वो मुद्दा. तो वो मुद्दा कल बना, एक लौता मुद्दा है ना, अभी तक के जितने एपिसोड गए ना उसमें सबसे पहला और एक अभी तक का आखिरी मुद्दा उसने खुद का करा है, वो टोफू वाला है. बाकी एक भी उसके मुद्दे नहीं थे. वो अर्चना वाला, अर्चना के साथ भी लड़ाई थी. अच्छा, वो भी उसको कूदा था. एग्जैक्टली वहां, यानी हर एक मुद्दे उसके, यानी दूसरों के एक मुद्दे होते हैं उसमें वो जंप करता है. जबकि वो ब्लेम प्रियंका पे डालता है कि तू दूसरों के मुद्दे में आती है, तू दूसरों के मुद्दे में आती है, जबकि अब तक के ही वॉज द वन जो सारे दूसरों के मुद्दे में जंप करा है उसने. ठीक है, जो पॉइंट आउट वो दूसरों पे करता है वो खुद भी करता है, इसीलिए मुझे अभी तक पसंद नहीं है. और तीसरी उसकी एक बड़ी बेकार क्वालिटी मुझे लगती है कि वो सही टाइम पे अपने दोस्तों को सही सलाह नहीं देता है. जैसे अभी निमृत तो है एक जेलस, वो एक सोल है, पर उसका एक, मुझे वो दोनों का समझ नहीं आता है. जब साजिद इतनी घटिया बातें करता है, स्टैन इतनी घटिया बातें करते हैं, तो उनके सामने ही होती है ये बात, पर उनके मुंह से एक बार भी नहीं निकलता कि भाई ऐसा मत बोलो, दिस इज नॉट गुड, ये है वो नहीं बोलते हैं. मुझे तो इतनी, यानी उस दिन तक गुस्सा है, वो साजिद इतनी गालियां बोल रहे और निमृत बोल रही है आप काम डाउन हो जाओ, मैं आपके लिए बादाम का दूध बना देती हूँ, आप एक सुट्टा मार के आओ. व्हाट इज दैट नॉनसेंस. मुझे तो इतना, यानी ये लोग मुझे नहीं दिखते विनर जैसा. अभी मैं ना किसी को, उसके जो फैन मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स है जो भी है, पर उनके साथ मैं ये सब डिस्कस करने जाऊं ना तो दे जस्ट गेट हर्ट, इसलिए मैं उनके साथ डिस्कस भी नहीं करती हूँ. बट द थिंग इज के ये फैक्ट है जो वो कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, जो उनके फैंस है वो. मैं ही जवाब दूंगी इसका प्रियंका. मैं, हम लोग प्रियंका के फैन होते तो हम लोग तुझे दे देते, बट मैं फिर भी एज अ रिव्यूअर रिव्यू कर रही हूँ तो मैं जरूर दूंगी इसका जवाब. ठीक है, हाँ, तो मुझे आप कंप्लीट कर दो. तो मुझे ये, और दूसरी बात ये, मैं कल भी मैंने ट्वीट किया था, मैंने परसों यानी पहले दिन से ट्वीट कर रही हूँ. बिग बॉस ने ना सबकी गेम बिगाड़ रखी है, सबकी गेम. उन्होंने इतना टॉर्चर किया है प्रियंका, अर्चना और उन सबकी गेम. यानी वो काम डाउन हो गए 2-3 वीक से. शिव को ना उन्होंने कभी पॉइंट आउट किया कि तुम यहाँ गलत जा रहे हो डे वन से. पर मुझे ये तो उनका है ना गेम डाउन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ बिग बॉस फॉल्ट कि आप शिव को अभी तक इग्नोर करते आए हो. अभी आपने अचानक से उसको थोड़ा भाव देना चालू कर दिया है बिकॉज ऑफ निमृत एंड साजिद. अभी एंड में आके, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी बहू को लेकर जाना है आगे, तो उन्होंने शिव को अभी भाव देना चालू कर दिया है अचानक से कि आप अपना खेलो. आप ये एक बार भी ये नहीं बोला कि आप निमृत को मत, यू नो, आप निमृत को देखो, यानी साजिद को छोड़ दो पर निमृत को छोड़ दो, आज तक नहीं बोला है उन्होंने. ठीक है, एक मैं जवाब दे रही थी मोनी, मैं आ रही हूँ. ईशा ने पूछा तो मैं बता दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शिव प्रियंका. आई प्रेफर अर्चना इन दोनों से, मैं सीधा बोल रही हूँ. मुझे अगर मेरे को इन दोनों से चूज करना, मैं अर्चना को चूज करूंगी. वो बहुत वेरिड कंटेंट देती है विच आई लाइक. मतलब आपको लगे शायद वो उसका, आपको नहीं बोल रही है, सबको बोल रही, सबको लगे मे बी उसका इरिटेटिंग वाला कंटेंट है, बट शेड्स वो सारे दिखाती है. मुझे ऐसा लगता है सच बोलती है हमेशा. यस, और आई लाइक ऑनेस्ट पीपल. दूसरी बात, अगर आप प्रियंका की बात कर रहे हो, देखो गेम क्या होता है, गेम पर्सनैलिटी होती है ना. गेम वही होता है जो टास्क होता है. अगर आप उसकी बात कर रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही. अगर आप पर्सनैलिटी की बात कर रहे हो, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, प्रियंका हमेशा ओवर परफॉर्म करेगी. अगर आपको जो फ्लॉज उसमें लगते हैं कि वो अंकित को एक्स्ट्रा बोल देती है या कुछ बोल देती है, वो उसका एक नेचर है. वो ऐसा कुछ नहीं है कि इज ऑफेंसिव टू समबडी. इट्स नथिंग रॉन्ग, मतलब इन द सेंस आपको उसका वो नेचर नहीं अच्छा लग सकता, बट यू नो ऐसा कुछ नहीं कर दिया उसने जैसे टीना करती है, बैक बिचिंग हो गई, कुछ हो गई या व्हाटएवर. प्रियंका में ऐसा कुछ नहीं है. शी डजंट हैव अ फ्लॉ, शी हैज अ नेचर विच यू कैन नॉट लाइक और लाइक. बट सलमान खान ने कल क्लियरली बोल दिया है, प्ले योर ओन गेम. ठीक है, झुंड में नहीं जीतते आप, क्लियर कर दिया ये बात. और मैं अग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि मुझे कोई विनर झुंड में खेलता हुआ दिखा नहीं है. तो प्रियंका हमेशा, आप उसको लाइक करो डिसलाइक करो, हर गेम हैज ऑल, हर पर्सनालिटी गेम हैज ऑलवेज बीन इंडिविजुअल. यस, वो ओवर परफॉर्म कर देती है टाइम्स और आपको वो इरिटेटिंग लग सकता है,
बट आप कभी भी उससे देख के ये नहीं बोलोगे यार ये तो सुस्त पड़ी हुई है, कुछ बोल नहीं रही. ऑन द अदर हैंड शिव सलमान खान लिटरली उसकी कल कान पकड़ के बोल रहे थे कि बोल बोल, तुम तब नहीं बोल रहे. तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था कल शिव के लिए. यू नो इट वाज अ बू बू फॉर मी. चुप ही नहीं रहती है प्रियंका, चुप ही नहीं रहती, उसको सलमान खान को बोलना पड़ता है कि तू चुप रहे. ये बोलने का शो है भाई. आई जस्ट फील व्हेन द होस्ट इज टेलिंग यू ओपन योर माउथ, यू आर लाफिंग देयर. मेरे को इतनी इरिटेटेड लगी दोनों की लाफिंग. मैंने कहा कुछ तो बोल दो भाई, मतलब से समथिंग टू द होस्ट. दिस इज योर टाइम टू शाइन. जब होस्ट बात करता है आप तब बोलो, वो आपका पॉइंट टाइम होता है. और मुझे लगा उन्होंने कल बिल्कुल ही फ्लॉप शो दिया उसमें कल. यस मोनी. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबको. मैं वैसे प्रियंका सपोर्टर हूँ. मुझे उर्दू इतना अच्छी नहीं आती है, तो सॉरी अगर कुछ गलत हो जाए तो. मुझे यही बात करनी थी कि सब लोग कह रहे थे शिव की फैंस खासकर कि शिव को मौका नहीं मिलता है वीकेंड के बारे में बोलने के लिए, कुछ चीजें करने के लिए. शिव को वैसे एक हफ्ता हो गया उसको, शिव को ना साजिद के लिए कोई शिकायतें हैं. उसने खुद टास्क के वक्त भी शिकायतें की थी साजिद के लिए कि वो टास्क को नहीं होने देते हैं, रोकते हैं. वो चीजें कल क्यों नहीं बताई जब सलमान ने उसको पूछा? उसने पूरा वक्त उंगली अपने मुंह पे लगाई हुई है, जैसे नाखूने खा रहा था उसका खुद का, जैसे कुछ डिस्टर्ब लग रहा था मुझे. उसको बोलना है बस नहीं बोलना है, डरना है साजिद से. क्यों डरना है साजिद से? जैसे निमृत बोल रही थी, गलत बोल रही थी सही बोल रही थी, लेकिन वो बोल रही थी ना. शिव क्यों डर रहा है? तो फिर ऐसे इंसान को हम विनर कैसे देख सकते हैं? वो बात बात उठा रहे हैं प्रियंका पे, प्रियंका गलत बोले सही बोले, बस वो बोल रही है चाहे वो गलत दिखे. विनर सही गलत नहीं होता है, विनर वही होता है जो बोलता है. कौन सा अभी तक कौन सा विनर बना है जो 100% सही था, जिसमें कोई कोई ऐब नहीं था? हर किसी में गलतियां भी होती हैं, ये पूरा जर्नी है. कोई भी इंसान एक दिन से 100 दिन तक सही नहीं होता है. ये बार बार कहते हैं कि प्रियंका यहाँ पे गलत है, प्रियंका वहां. प्रियंका गलत होगी लेकिन प्रियंका सही चीजों में बोलती है, लेकिन शिव चुप रह जाता है चाहे उसकी दोस्त हैं. खासकर अगर आपकी दोस्त हैं तो आपको वहां पे बोलना चाहिए. तो हम गैरों को नहीं बोल सकते लेकिन हम अपनों को तो बोल सकते हैं कि वो गलत जा रहे हैं. शिव वहां पे गलत होते हैं. हर कोई जो उसकी आस पास है ना, हर किसी ने गलत किया. खुद करे तो खुद की गलती हम तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन गैरे को तो हम देख सकते हैं जो हमारे आस पास होते हैं. तो साजिद की कितनी गलतियां होती है, इम्सिस्तान की होती है, निमृत की होती हैं, लेकिन आज तक उसने कभी नहीं कहा. जब निमृत ने बिच कहा था प्रियंका को, उस वक्त भी उसने नहीं टोका निमृत को, ये चीजें आपने जो की है वो गलत है, वो नहीं करते. तो फिर हम ऐसे इंसान को कैसे सपोर्ट करें? प्रियंका के बारे में, प्रियंका जब अंकित गलत करते हैं उसको भी बोलती है, अर्चना को कितनी बार बोला है तो वो बोलती है ना, आसपास को भी नहीं. हम अपनी गलतियां तो नहीं दे सकते जब तक हम बाहर ना आए ना, हमें कोई बात ना करें. जैसे सलमान ने अभी वो रियलाइज कर रही है वो चीजें जब गलत करी है, वो सही भी करने लगी है. जो पहले वो हर चीज में कूदती थी वो अभी वो बातें नहीं करें. जब तक उसकी नाम नहीं आता उस चीज में वो नहीं बोलती है. वो अंकित की जो अभी कैप्टनसी जो हफ्ता चला गया, मेरे ख्याल से उसने किसी चीज पे अनफेयर नहीं, यानी नहीं कूदा है. जो अंकित ने किया वो खुद किया है, गलत सही उसने खुद किया. प्रियंका ने किसी चीज में दाखिल नहीं हुई. मैं जैनका एक पॉइंट ले रही थी, मैं एक और बात बोलूंगी. जो दोस्तियों की आप बात करते हो, सिर्फ दोस्त है, मैं नहीं कह रही उसने उस ग्रुप का ठेका लिया हुआ है, बट जो चार दोस्त है उसमें से दो तो अपसेट बैठे हुए हैं कि ये पूछते नहीं है. एक को घर छोड़ के जाए, एक बोल रहा है मुझसे बात ही नहीं करते, एक निमृत से बात करता है, एक प्रियंका अंकित से बात करते हैं, दिस इंक्लूड साजिद ऑल्सो. तो फिर दोस्ती दोस्ती जो बोलते हैं, जो लोग उसकी दोस्त है वो अच्छा दोस्त है. एक लिटरली दोस्ती, मैंने आपको डी कोड कर दी कैसी जा रही है उनकी घर में. सो हाँ जी जैन बोल लो. प्रियंका का माइनस पॉइंट मैं बोलूंगी, अभी जो उनके फैन है तो मैं उनके माइनस पॉइंट बोलना चाहूंगी. एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, उसकी गेम अंकित से शुरू होकर अंकित पे ही खत्म होती है. मैंने वो देख लिया कल
क्योंकि कल नहीं, मैं हमेशा ही देखती हूँ उसकी शुरुआत, यानी वो जब कैप्टेंसी टास्क भी हो रहा था जिसमें अंकित जीता ना, उसमें उसका ध्यान अंकित की तरफ, खुद पे तो था ही पर अंकित की तरफ भी था कि भाई उसने सौंदर्य को बोला जो कपड़े है ना वो नीचे उठा उठा के ऊपर रख दे, सौंदर्य ये कर, सो वो कीप ऑन टेलिंग सौंदर्य कि ये कर वो कर, तो यहाँ ही उसको थोड़ा, और वो जो उसका दूसरा जो माइनस पॉइंट है कि कोई उसको कुछ भी बोल के चला जाता है, मैंने पहले भी बोला है, तो वो इतना ट्रिगर हो जाती है, यही आपका माइनस पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये आपका माइनस पॉइंट है कि कोई उसको आके बोलता है सामने से, अरे तुम प्रियंका उसको रोकती है फलाना ढिमकाना, तो वो ट्रिगर हो जाती है, मैंने सहनाज का आपको दिया था वो वाला, तो मुझे वहां पे भी वो गलत लगती है कि उसको ट्रिगर नहीं होना चाहिए, उसको वहां पे अपनी एक स्ट्रांग वो दिखना चाहिए कि हाँ भाई जिसको जो बोलना है बोलती रहे, तू अपना जो है वही दिखा, वहां पे वो माइनस चली जाती है, ठीक है, तो उसको अभी भी जब, मुझे नहीं लगता कि जब तक अंकित अंदर रहेगा वो अपनी गेम पे फोकस कर पाए, जिस दिन वो निकला ना शील बी अप देयर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पे ही फोकस करेगी, अभी उसका फोकस वो कितनी भी ट्राई कर ले उसका उस पे ही फोकस रहता है, और मैंने कल देखा, आई टेक माय वर्ड्स अगेन, ठीक है, बैक अगेन, कि कल अंकित ने एक चीज जो करी ना, मेरे को अभी अभी जो मोहम्मद जी कल बोल रहे थे उस पे यकीन हो गया मुझे कि यू नो ही इज लाइक उसके पर है, लेकिन उसने वो टेक बैक लग रखा है, यहाँ पे प्रियंका पागल लग रही है, फिर कल उसने एक पजेसिव अपना नेचर है कि तू कर भी नहीं सकती, वो लाइन मार भी नहीं सकती, जो उसने बोला ना उसका पजेसिवनेस नेचर, वो उसका सामने आया कल अंकित को, अगर ये भी एक सिग्नल ही, अगर आप सिग्नल दे रहे हो, सिग्नल पे सिग्नल दे रहे हो, वो बंदी यानी, और तरफ, हाँ, दूसरी तरफ ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं प्यार नहीं करता एंड ऑल, तो यहाँ पे ऑडियंस को एक गलत वो जाता है, और वो लड़की भी गलत दिखती है जो आपके लिए इतना सब कुछ कर रही है, ठीक, यस, हाँ जी मोहम्मद जी, यस। अच्छा देखो, आप प्रियंका के गेम को ना बेसिकली वो उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई है, हमने उसके वीकेंड के वार के ऊपर जितना, यानी कि वीकेंड के वार पे तो क्या, यानी कि किसी के साथ भी बात करते हुए वो गुस्से में भी होती थी तो तब भी, यानी कि उसको हंसते हुए बोलती थी, वो उसकी बिचारी की फीलिंग्स हर्ट हुई हुई है, वो उसने अंकित ने उसको बहुत लेट डाउन करा है, वो उसकी वजह से वो उसकी कल भी वीकेंड के वार पे, पिछले वाले वीकेंड के वार पे भी उसके चेहरे पे जरा सी स्माइल नहीं है। अच्छा वो जो है इसी वजह से, यानी कि मीन उसकी एनर्जी आप देखो कितनी लो है इस टाइम पे। अच्छा उसको किसी, वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि देखिए नेशनल टेलीविजन पे उसके साथ जो कुछ हुआ है ना, वो उसी के पार्टनर से बार उठाया हुआ है खामा खा कर, जो जैन मैम कह रही है कि ये जाते के साथ ही क्लिक कर जाएगी, नो डाउट भाई, हम तो कहते हैं आज चला जाए अंकित, अंकित का गेम वैसे ही कुछ नहीं है। अच्छा इतना सोबर बंदा हमारे लिए ये चाहिए नहीं, हमें अब जितना सोबर देखना था 10 हफ्तों में देख लिया, बहुत देख लिया, जो सोबर पना देखना था देख लिया, अब गेम का टाइम है, गेम का। कल भी यानी कि सलमान खान साहब ने सबको रिमाइंड कराया कि भाई गेम का टाइम है, ये 4-5 हफ्ते ही बचे हैं आपके पास, तो अब गेम के अंदर यहाँ पर उसके जाने के बाद ही, यानी कि मैं समझूंगा कि मैं ये फील करता हूँ कि प्रियंका का गेम अप होगा, मगर प्रियंका की इस वक्त फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट हुई है, और अंकित की वजह से ही हर्ट हुई है, जो उसका बड़ा क्लोज था, और उसने, अंकित ने उसके गेम को डिस्टर्ब करा है, उसकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करा है, वो बिल्कुल वाजे तौर पे उसके चेहरे से नजर आ रहा है, कल भी वो उसका चेहरा उतरा हुआ था, और वो 2 वीकेंड के वार के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि उसके चेहरे पे जरा सी हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, वो बहुत सीरियस होके बैठी हुई है, वो बैठी अंकित के साथ ही है, मगर वो उसके अंदर वो एनर्जी नजर नहीं आ रही है जो हम देख रहे थे। हम तो चाहते हैं कि यार वो शिव के साथ भिड़े, वो नजर आए, जिस तरह बजती थी बजे, अब वो बजने का टाइम है, जिस टाइम पे बज रही थी वो बजने का टाइम नहीं था, अब बजने का टाइम है, क्योंकि रवीना ने भी आखिर में जब क्या नाम जब वापस आया था क्या नाम उसका जो रुबीना के साथ कौन था राहुल जब वापस आया था कमबैक कर रहा था, तो उसने रुबीना के साथ और रुबीना ने उसके साथ किसी लेवल को छोड़ा ही नहीं था, वो उस एंड लेवल तक चले गए थे जहां पर हमें सिर्फ देखना यही था कि रुबीना क्या बोल रही है और राहुल क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर अब वो लेवल आ गया है कि निमृत भी सामने मौजूद है, शिव भी सामने मौजूद है, अब वो खुल के आना चाहिए, उसको सपोर्ट सिस्टम अंदर मौजूद है, उसके पॉइंट बड़े वैलिड होते हैं, वो अब जिस तरह खेल रही है वो तो फिर लूज कर जाएगी, अगर 1-2 हफ्ते इसने इसी तरह ही रही और अंकित की वजह से डिस्टर्ब रही तो वो 1-2 हफ्ते के अंदर अपना गेम काफी लूज कर जाएगी। प्लीज मैम कंटिन्यू। मुझे ना मोहम्मद जी आपकी बात में एक ही चीज ऐड करनी है कि कल वो मुझे डरी हुई दिखी कि अब भी मुझे गाली पड़ेगी, वो डर उसके फेस पे कल दिखा मुझे,
मेरे को ये बोलना है कि हाँ नहीं मे हाँ 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 ये मैं यही बोल रही थी, आपने बोल दिया कि वो डर वो था कि बस अब आई एम प्रिपेयर्ड कि मेरे पे खुद फिर कुछ आने वाला है. एग्जैक्टली आई वाज जस्ट गोना से दैट. बट मुझे ये लगता है कि बिग बॉस ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है. पहले आपने मंडली को इतना ज्यादा प्रमोट किया, इतना जो आप बोल रहे थे ना पिगी, जो सलमान बोल रहे थे पिगी बैक राइड लेके आए, अब टाइम है उतरो अपनी अपनी खेलो, तो आपने निमृत को शिव की पीठ पे चढ़ाया था बिग बॉस, वो खुद नहीं चढ़ी थी. निमृत डेस्परेट हो रही थी कि उसकी कोई अलायंस बन जाए, क्योंकि उसको गौतम सौंदर्या ने भी साइड कर दिया था, टीला शालीन के साथ वो थर्ड फिडल थी, तो आपने उसको शिव के साथ डाला. अब वो ग्रुप ऐसे बन चुका है कि वो सांस भी साथ लेते हैं, मतलब कैप्टन कोई बनता है तो वहीं पड़े रहते हैं साथ में, तो अब बड़ा मुश्किल है. अब उनके इमोशंस जुड़ चुके हैं, अब आप वो फेक बोलो रियल बोलो मुझे नहीं पता. फिर अगर अब वो छुड़ाना मुश्किल है तो वो शिव और निमृत जैसे प्लेयर्स के लिए डिसएडवांटेज हुआ ना. बट फिर हम जब बोलते हैं डिसएडवांटेज हुआ, तो हम ये भी तो सोच सकते हैं कि वो अपना दिमाग क्यों नहीं यूज कर सकते. शिव एक बीबी मराठी जीत के आया है, उसको नहीं पता है कि इवेंचुअली इंडिविजुअल गेम खेलनी होती है, कि ही कांट गेट लॉस्ट. उसकी हो सकती है स्ट्रैटेजी कि मैं थोड़ा आगे तक चलूं क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, थोड़ा मैं ग्रुप बना के चलता हूँ, सेफ हो जाऊंगा, फिर इंडिविजुअल खेल लूंगा. बट वो चला नहीं ना, वो बैक फायर हो गया. बिकॉज जो भी कहो, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, प्रियंका किसी को जैसी भी लगे, उसकी गेम, उसका अपर हैंड यही पे है कि उसकी इंडिविजुअल रही है, एंड दैट इज अ वेरी बिग अपर हैंड फॉर बिग बॉस. ठीक है. मुझे बात करनी थी वाइल्ड कार्ड की, विकास मानिकता लाया. देखो उनकी आईज मुझे, एक तो पता नहीं, डोंट किल मी सलमान फैंस, मुझे सलमान की जैसी लगी उनकी आईज थोड़ी शेप, बट आई लाइक हिज पर्सनैलिटी. देखो पहले दिन तो सभी बोलते हैं ऐसे, सलमान उनकी इतना केस भी ले रहे थे, एक एक वर्ड पकड़ के उनको बोल रहे थे कि अच्छा मम्मी मम्मी तुम्हें पसंद है, मतलब जब गालियां दोगे ना वही मम्मी शायद तुम्हें देख के शर्मिंदा होगी. तो ही वॉज ग्रिलिंग हिम सलमान, क्योंकि हर एक ये बोलता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे. बट जो उन्होंने सबको टैग्स दिए मुझे अच्छे लगे. बस एक निमृत को उन्होंने स्टेज पे बोला मुझे स्ट्रॉन्ग लगती है, पता नहीं कौन से एंगल से. सो यस, इस वाइल्ड कार्ड के बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा कैसे लगे? साक्षी मैं कुछ और पॉइंट रखूं अगर कोई नहीं बोलना वाइल्ड कार्ड मोहम्मद जी. जी जी, वाइल्ड कार्ड के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि वाइल्ड कार्ड जो है ना, बेसिकली मैं तो अभी उनको पहले टीवी स्क्रीन पे नहीं देखा, मगर अंदर जाके उनकी पर्सनालिटी सुजीता की तरह निकलती है कि नहीं निकलती. स्ट्रॉन्ग लड़की लगी है सुजीता तो वापस आके, अब देखना है कि अंदर आके किसकी क्या इक्वेशन. मगर जो उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी ना, कि वो खेलने आए या खिलाने आए हैं, वो शिव को और निमृत को ही खिलाने आए. उनकी मेरी अपनी ओपिनियन है, जिस तरह वो उन्होंने चूज करा और जिस तरह वो अब आगे इक्वेशन बनती है इनकी, क्या बनती है और किस तरह वो अपना प्रेजेंट करते हैं गेम, तो ये प्रियंका के लिए भी सोचने वाली बात है. एक वाइल्ड कार्ड आया है, वो भी शिव को निमृत को सपोर्ट कर रहा है, और जो पहली वाली वाइल्ड कार्ड आई है वो जाकर टारगेट कर रही है टीना को. तो अब वो टीना के जाने के बाद देखते सिचुएशन के वो जो पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री है सुजीता की, वो कहाँ की तरफ जाती है. मगर इस बंदे को लगता तो है ये कुछ ना कुछ धमाका तो करेगा, धमाका तो करेगा, कुछ ना कुछ तो करंट है इसमें. मुझे लल्लू पंजू तो नहीं लग रहा, कुछ है पर्सनालिटी, एटलीस्ट ऑरा में है, एक्स फैक्टर दिखता है वो, देखने में भी ठीक ठाक है, तो लेट्स सी नाउ. कुछ तो ना कुछ उससे निकलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बाहर देख के आया है, कुछ समझ के आया है, ऐसे नहीं आया है ना वो, जैसे वो जिस तरह से वो भरोसे से बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ तो शायद 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते तो कुछ ना कुछ उससे निकलेगा, शायद बाद में नहीं निकलेगा. मेरे ख्याल से जिस ग्रुप से वो जाएगा ना, वो ग्रुप फिर निखर के नहीं आएगा, दूसरा निखर के आएगा मेरे ख्याल से. ठीक है, जिसको टारगेट करेगा ना मेरे ख्याल से वो मेरे ख्याल से वो निमृत के साथ ही रहेगा, जिस तरह से वो उसकी तारीफ कर रहा था. जेन बोल लो फिर कल मुझे अर्चना जाकी को बोलना है, तब जाकी बोल लो. जाकी बोल रहा है, आप बोल लीजिए जेन, मैं बोल लूंगा थोड़ा सा. हां मुझे है ना कल अर्चना का मुझे जैसे ही मैं अर्चना बोलती हूँ ना, मेरे मुंह पे ऐसे वर्ल्ड की स्माइल आ जाती है. अर्चना और वो जूजू का जो पॉइंट था ना, ये रहा जुजू, सॉरी बोला जुजू. एक मिनट,
सुपरचैट ले लूं वाला जो एक्चुअली उसने डिकोड किया ना, एक्चुअली वो रियलिटी थी, वो रियलिटी वो है, वो रियल ही होगा यार, वो रियल। एक सुपरचैट ले लूं मैं, बात करती हूं एक सेकंड, एजेंट निकल जाएगी। थैंक यू राणा कोनिका जी फॉर योर सुपरचैट। हाय मैम, शिव डरपोक है नो डाउट। देखो कल तो मुझे लगा वो डरपोक नहीं, मुझे लगा आपको एक वीडियो भेजा था, उसमें भी वो शिव को बोल रही है तू है ना, तू प्यादा लग रहा है, वो है ना साइड एक्टर होते ना, वो तू वही रहेगा एंड तक, यानी उसको मुंह पे बोल रही है और शिव ऐसे हंस रहा है वहां पे बैठ। और जब ये बोल रहा था ना शिव, जब अरे जब ये बोल रही थी तो शिव उसको सीरियसली नहीं ले रहा था, जबकि वो सच बोल रही थी, हाँ ऐसे कर रहा था तो शिव। और फिर वहां पे शिव के पास जाती है, हाय हाय मुझे तो ये लगा था कि तुम मस्ट तुम कि तो साजिद सर निकले। ये गट्स है उस बंदी की यार, वो मुंह पे ये चीजें बोल देती है, लोग उसको हल्के में, आई लव हर, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन शिव गिव हिम अ बिफिटिंग रिप्लाई एज वेल, बट जब वो बोल देती है ना, यानी बिना झिझक के बिना डर के, दैट वाज एप्ट, लाइक उसको कोई बीट नहीं कर सकता। काश उसने वो उसको मारा नहीं होता, वो बाहर नहीं निकली होती तो टॉप अभी आई थिंक शी वुड बी देयर। मुझे अभी भी यकीन है कि शी विल बी इन अ टॉप 5 फॉर श्योर। टॉप 3 मेरे को लगता है, मेरी गट के मुझे भी जाकी, मेरे खास हकदार भी है। हां जी जाकी। So, बस एक दो पॉइंट हाईलाइट करूंगा शिव के ऊपर। जैसे सब बोल रहे हैं कि उसका क्या गेम है, क्या गेम है बेसिकली, देखिए क्या होता है। आप शिव सपोर्टर हो या न्यूट्रल हो आप? नहीं मैं न्यूट्रल था, बट मैंने जैसे कल बताया था कि मुझे शिव का गेम पसंद आया था परसों, तब से मैं मुझे शिव अच्छा लग रहा है गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे वो जो है तो मुझे नहीं लगता चीखना चिल्लाना वो भी गेम है, जो मेरा पॉइंट है। तो दूसरा एक चीज अगर आप देखेंगे कि इंडिविजुअलिटी क्या होती है, आप देखिए उस ग्रुप से हर कोई तो कैप्टन बन चुका है अपार्ट फ्रॉम एमसी स्टैन, राइट? तो इंडिविजुअली भी वो शाइन कर रहे हैं कि निमृत बनी है, अब्दू बन गया है, साजिद बन गया है, शिव बन गया है, तो सबको साथ लेकर चल रहा है, वो अपलिफ्ट भी कर रहा है सबको। दूसरी चीज अगर आप एक चीज देखेंगे शिव का, तो शिव ने स्टेज पे एक बार बोला भी था सलमान को कि मैं अपने दोस्तों के साथ लास्ट तक खड़ा रहूंगा, तो अब ऑब्वियसली एक्शन का एकदम रिएक्शन नहीं आता, जैसे बोल रहे हैं कि कल शिव क्यों चुपचाप क्यों बैठा रहा, ऑब्वियसली होता है कि एकदम से रिएक्शन नहीं दे सकते, तो उसने कल इस वजह कोई रिएक्शन भी नहीं दिया कि वो क्या गलत बोलता साजिद के सामने। उसे भी पता है कि वीकेंड के बारे में अगर वो साजिद के जैसे सलमान बोल रहा था कि कुछ बोला वो बोलता तो वहां पे खुद ही फेक लगने लगता कि शायद एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सलमान ने भी बहुत ट्राई किया कि हाँ बोले वो कुछ बोले, लेकिन उसने नहीं बोला क्योंकि वो अपना वो भी मतलब जो मुझे लगता है कि वो रियल फ्रेंडशिप निभाता है। दूसरी बात जैसे आप बोल रहे थे कि अब्दू, देखिए अब्दू का केस तो लैंग्विस्टिक है कि उसे लैंग्वेज की थोड़ा सा इशू है, तो वो कहां से वो कंसोल करे या किस वो करे, क्योंकि साजिद सलमान ने भी कल ये पॉइंट आउट कर दिया कि साजिद आपने ट्रांसलेट नहीं किया, तो मुझे ये लगता है कि अब्दू इस वजह से सेट था। दूसरी चीज अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो एमसी स्टैन को उसने शुरू में बहुत ज्यादा वो करा, वो बंदा जाना ही चाहता था कि मैं जाना ही चाहता हूँ उसे जो भी, क्योंकि उसे जो प्रॉब्लम हुई निमृत से, और निमृत का मैं कोई फैन नहीं हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि निमृत और शिव क्यों बेटर है, शिव को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, निमृत का मुझे नहीं पता है वो क्यों चुप थी उसका, क्योंकि मैं उसका फैन भी नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती शिव, तो शिव का मैंने किया। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि अभी जो इंडिविजुअल गेम का मतलब मैं बता रहा था कि ग्रुप में रहने से सब इंडिविजुअल को फायदा हो रहा है, आप ये भी तो देखिए सब कैप्टन बन गए, और शिव तो देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि वो वहां वो फ्रेंडशिप तक अपने लास्ट तक, तो वो अपने अगर उसका एक गेम भी है दोस्ती का वो लास्ट तक नहीं खोलेगा, क्योंकि उसे पता है कि हाँ भाई अगर मैंने अभी यहाँ कर दिया तो मैं अपने वर्ड से बैकआउट हो जाऊंगा, तो प्योर गेम खेल रहा है और मुझे उसका गेम पसंद आ रहा है। ताकि कैप्टन बनने से और टास्क जीतने से कोई शो नहीं जीतता, आपका दूरदर्शी विजन होना चाहिए मेरे मेरे हिसाब से, जो मेरी बिग बॉस की टास्क कैप्टन की बात कर रहे हो ना, टास्क छोड़ दो, कैप्टन बनने से कोई शो नहीं जीतता, पर्सनालिटी शो है। सो कोई आप एक शिंदे एक भी बार कैप्टन नहीं बनी थी, रूबीना को जबरदस्ती दे दिया गया था कैप्टनसी फॉर 4 days, बट वो भी खुद से नहीं बनी थी, बनी नहीं थी ऐसे बोलूंगी तो चलेगा। बट आप एक चीज तो देखिए कि अभी देखिए बिग बॉस कोई टास्क ऐसा करा नहीं रहा, सिर्फ कैप्टनसी टास्क करा रहा है, राइट? कोई ऐसा कोई टास्क नहीं करा रहा जो भी जैसे लग्जरी बजट या जो भी होता था,
तो जो भी है एटलीस्ट उसमें तो शाइन करना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये भी तो नहीं कि कोई अगर कैप्टन बन रहा है तो वो शो नहीं जीतेगा, ये भी तो नहीं है ना। अगर वो कैप्टन बन रहा है तो एटलीस्ट नॉमिनेशन से तो बच रहा है ना आने वाले वीक में, जो भी कैप्टन बच रहा है कुछ मतलब कुछ तो अपने आप अच्छे से। जब आप वे करोगे कि मैं कैप्टेंसी जीतूं या मैं शो जीतूं, मुझे लगता है आपका विजन ज्यादा दो बार सैक्रिफाइस किया है शिव ने अपनी कैप्टेंसी। अगर आप देखें दो बार उसे चांस मिला है, एक बार अपना भी नाम ले सकता था ये 25 लाख वाले में, तो उसे कैप्टेंसी का ऐसा कुछ शिव को लालच भी नहीं। अगर आप देखेंगे और टाइम टू टाइम ये हमें पता चला है, सिर्फ एक ही बार कैप्टन बना है शिव, उसके बाद अगर वो चाहता तो वो बन जाता। आप सुहेल बीबी क्रिटिक ज्वाइन करके छोड़ देते हो हमेशा, तो थोड़ी सी पेशेंस रखो आप, मैं जैन के बाद नहीं जाकी, आप जब बोल रहे हो ना कि वो कैप्टन उसने सैक्रिफाइस नहीं की, भैया उसको बनना ही नहीं है कैप्टन। अगर आपने चीज नोटिस की हो, उसको जब भी कैप्टन बनाया उसने मुंह की खाई और बीबी उसको बहुत गंदी तरह लताड़ते हो, तो उसको ये चीज समझ में आ गई है और ही डोंट वांट टू बिकम अ कैप्टन फॉर दैट रीजन। उसको पहली बार जब वो कैप्टन बना था उसको कायर बोला गया था बिग बॉस की तरफ से, और दूसरे ही दिन कैप्टनसी ले ली थी। जब वो दूसरी बार बना तो भी उसको बहुत बुरी तरह लताड़ा गया और उसको बोला गया कि सेफ प्लेयर हो तुम, सेफ खेलने वाला, हमको ऐसे प्लेयर्स नहीं चाहिए। तो उसको और पता है जब भी वो कैप्टन बनता है ना वो बहुत अच्छा बन जाता है, वो बैकफुट पे चला जाता है। इसीलिए है ना, वो मुझे वो तो चाहिए नहीं कि वो कैप्टन बने, और खुद को भी उसको पता है कि मुझे अब कैप्टनसी चाहिए नहीं, क्योंकि अभी जो लास्ट वो जेल वाला टास्क हुआ था ना उसमें उसने क्या बोला पता है कि मुझे कैप्टनसी चाहिए नहीं पर ये टास्क हम लोग जीतेंगे, मुझे कैप्टन बनना ही नहीं है। वो कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है बिकॉज उसको पता है कि कैप्टनसी तो आएगी पर उसके साथ जो उसकी लग रही है ना वाट वो भी लगेगा, इसीलिए वो नहीं ले रहा है, कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है वो। बट जैन मैम आप एक बात देखिए, किसकी कैप्टनसी को साजिद के अलावा बिग बॉस ने अप्रिशिएट किया, आप खुद बताइए। और वो बना भी तो दो दिन के लिए था, अब्दू और निमरित, अब्दू एमसी बिल्कुल एमसी नहीं बना मोहम्मद साहब ठीक। एक सोहेल बीबी का पॉइंट ले लो, हुई अप्रिशिएट। जी जी जी, गुड इवनिंग मैम और सभी पैनलिस्ट को भी गुड इवनिंग। जी जी मैम, एक्चुअली मैं मतलब उतना नहीं कर पाता कि 10-15 मिनट के लिए आता हूँ, क्योंकि मेरा मतलब क्लासेस वगैरह ऑनलाइन रहता है। जी मैम ये इससे स्टार्ट करूंगा कि कल के एपिसोड से, मुझे लगता है कि बहुत दूर अभी मतलब बात करके फायदा नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ भी हो सकता है टॉप टू के रेस में। तो मुझे लगता है कि कल के जो एपिसोड में सलमान खान ने बताया था कि शिव को कि आप मतलब वो मास्टरमाइंड है, आप लोग लग रहे हैं कि फॉलोअर, तो मुझे लगता है कि उसमें मतलब सलमान खान और बिग बॉस में एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। क्योंकि लास्ट एपिसोड मतलब दो दिन पहले एपिसोड में दिखाया गया था कि जब शिव, निमरित और टीना को जब बुलाया गया था कॉन्फेशन रूम में, तब बोला गया था कि आप साजिद को जगाओ, साजिद तो कुछ भी नहीं कर रहा, साजिद तो इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो आप लोग प्लीज जगाओ। तो मुझे लगता है कि उसमें मास्टरमाइंड जो कि किया गया है वो सलमान खान द्वारा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेम्परिंग किया गया है। और दूसरा बात मैं बोलूं कि एमसी स्टैन के बारे में कल जो मतलब बहुत ही बड़ा टॉपिक था, एमसी जो हम लोगों ने पिछले सीजन्स में भी जो देखा था, राहुल वेद्य को वॉलेंटरी एग्जिट के लिए निकाल दिया गया था, या फिर इस सीजन में भी शालिन जो थे, शालिन को भी मतलब मुझे लग रहा था कि कहीं वो अगर हाँ बोल देता तो उसे भी निकाल दिया जाता, लेकिन मुझे लगता है कि एमसी स्टैन, मुझे लगता था कि जो मेकर्स था वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी कभी नहीं मारेंगे, क्योंकि जो एमसी स्टैन का जो फैन बेस है मुझे लगता है वो रिसेंट टाइम का जो मतलब हिप हॉप कम्युनिटी से बहुत ही कनेक्टेड है, और चाहे वो कुछ करे या ना करे शायद वो लोग उसी के कारण ही मतलब एपिसोड्स या फिर टीवी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है उसी कारण से कल उसे बताया गया है कि आप तो फाइनल्स में जा रहे हो या फिर कुछ और, तो उसी कारण से उसको वहां पे रखा गया मुझे लगता है एमसी स्टैन को। और रही बात मुझे लगता है कि अंकित का मुझे लगता है कि वो मतलब जो भी किया उसने सही किया था, जो कि हफ्ते में जो चला था, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैम जिस भी ग्रुप में आया था उन लोगों ने अनबायस या फिर सब कुछ किया अपने टीम में रखने के लिए। तो मुझे लगता है ये गेम का पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो अंकित कर रहा था वो एकदम ही करेक्ट था, लेकिन जो बिग बॉस ने मुझे लगता है किया वो एकदम ही गलत था, क्योंकि जब दूसरे लोग कर रहे थे अनफेयरनेस तो मुझे लगता है कि उस समय तो आपको बोलना चाहिए था। मुझे लगता है कि एक कारण हो सकता है कि सही में बिग बॉस ये कर रहे हैं, और दूसरा कारण मैं ये बता सकता हूँ कि मतलब शायद रिवर्स साइकोलॉजी के लिए मतलब उन लोगों को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए ये सिर्फ बायसनेस कर रहे हैं। ठीक है,
ये कियारा बोल रही, सलमान ने बोला था लास्ट वीक कि शिव अच्छा गेम खेल रहा है, लास्ट वीक बोला था, मैंने तो नहीं सुना। याद नहीं है साक्षी, मुझे कुछ चीज बोलनी थी। फर्स्ट वीक में बोला था आप अच्छे खेल रहे हो पर बहुत शांत हो रहे, फर्स्ट वीक में बोला था, उसके बाद कभी बोला नहीं है। हाँ जी मोनी बोलिए। मुझे ये बोलना था अंकित के लिए, मेरे ख्याल से अंकित ने अपनी कैप्टेंसी अच्छे से निभाई। अगर दूसरे ग्रुप वाले निकम्मे हैं, उनमें कुछ दमी नहीं है, तो अंकित क्या करेगा? अंकित पे क्या अर्चना और प्रियंका सवाल उठाएंगे? क्या उनकी कैप्टेंसी वो खराब करेंगे? अंकित, प्रियंका में, अर्चना में इतना दम था कि मोनी इतने हफ्तों से उन लोगों से मोनी सुनो, कैसे। आपको काट रही हूँ, कंटिन्यू करना। अगर अर्चना प्रियंका को चुप नहीं कराया होता ना, वो अंकित को भी बोलते। अर्चना तो स्पेशली ऐसी है, और प्रियंका ने बोला था अंकित पे भी आएगा, मैं तो भी बोलूंगी, बट उन दोनों को चुप करा दिया, इसलिए आपको बोरिंग वीक लगी है। हाँ जी नहीं, कंटिन्यू। फिर भी अगर, लेकिन उन लोगों का हक बनता है ना साक्षी। देखो टास्क में जो जो, जो भी अंकित ने किया वो अपने फेवर में किया, लेकिन उन लोगों के फेवर में नहीं था, उनमें इतना दम नहीं था। उन लोगों ने क्या रिएक्ट किया है, जाके सब लोग इतने मंडली बन के, ग्रुप बन के वहां पे बैठे हुए ऐसे शांत से, फिर भी बिग बॉस उन लोगों को बुला रहे हैं कन्फेशन रूम में, उन लोगों को समझा रहे हैं, उन लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं। बाबा उन लोगों को डांटो ना, वो लोग कुछ करें, निमृत कुछ करें, वो ये करें, दूसरी वाली शिव कुछ करें। अंकित पे उन लोगों को सवाल उठाना चाहिए तब, ताकि अंकित जवाब दे। अंकित खुद पागल नहीं है, वो तू कूद के नाचे बस दिखाए लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ। वो एक कैप्टन है, वो घर चलाता है। अगर किसी को सवाल उठानी है ताकि वो बात करे, जिस तरह से निमृत कैसे गुस्सा करती है बात, क्योंकि अर्चना उस पर सवाल उठाती थी, उसको उसकी चीजें कमियां निकालती थी। अंकित की किसी ने कमियां नहीं निकाली, तो अंकित क्या बोले, अंकित क्या करे? मेरे ख्याल से अंकित ने जो किया अपनी तरफ से सही किया। अगर वो लोग सवाल नहीं उठाते हैं, उनकी चीजें उस पे सवाल नहीं उठाते, तो अंकित की कोई गलती नहीं है। बार बार अंकित को नीचा दिखाने के लिए मेरे ख्याल से वो बिग बॉस खुद नीचा गिर रहे हैं, अंकित को नीचा दिखाने के यहाँ पे लिए ना अंकित वो को तो गलत साबित हो रहे काफी, हैं, क्योंकि उन लोगों में काफी वो मोनी दूसरों में इतना हाँ सवाल नहीं ठीक है उठाया ठीक है जितना वो अंकित पे सवाल उठाते हैं। मोनी, मैम एक बार बोलना मैं एक बोलना बोला प्लीज। सेकेंड, बिल्कुल रुकिए रुकिए मोहम्मद जी, बारी बारी सब पे आऊंगी। हाँ जी मोहम्मद अच्छा, अंकित के पर तो नो डाउट के अंकित के साथ ज्यादती करी है इस दफा बिग बॉस ने, बिल्कुल खुल के बोलते हैं ज्यादती करी है। मगर अंकित के लिए कल बोला भी गया ना साजिद खान, और अंकित के लिए बोला भी गया ना कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे दोस्तियां बना के रखी है। भाई आप सबसे दोस्तियां बना के रखोगे तो गेम किसके साथ खेलोगे? यहाँ पे दोस्तियां बनाने के लिए थोड़ी जगह है कि आप दोस्तियां बना के बैठ जाओ। यहाँ पे दोस्तियों की वजह से ही तो उनका गेम नहीं आगे बढ़ पा रहा। यही सेम चीज यहाँ पे अब्दू के साथ है, अब्दू ने भी सबसे दोस्तियां बनाई। यही शालीन क्या नाम, कहने का मकसद है कि ये लोग जो लो है ना, ये जिस तरह गेम खेल रहे, ये अंकित का गेम जो था, अंकित ने अपने आप को यानी कि मीन्स ऐसा बना के रखा हुआ था कि जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं गेम के अंदर आपका योगदान क्या है, वहां पे तो जीरो आप। अच्छा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि क्या नाम यहाँ पे टीना के लिए, कि टीना को कल जो कुछ बोला गया ना सलमान खान साहब के, और अर्चना ने जो एक्टिंग करी है, मैं कहता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी भी यानी कि उसके आगे बहुत पीछे, नो डाउट कि उसने बहुत अच्छे यानी कि एक्सप्रेशन दिए। और क्या नाम, जब जुजू को बोला कि जुजू ये पीछे खड़ी है अर्चना इनसे मिले, तो अर्चना जिस तरह सोफे पे हाथ रख के फ्रंट पे आई, तो मैं फील हुआ कि यार उसके अंदर एक वो है कि खेलने का एक स्टाइल है लड़की में, यानी कि दम है। अच्छा वहां पे जो ये जो जितना भी टीना के साथ हुआ है, बेसिकली हुआ ये है कि टीना अपने आप को हर चीज के अंदर परफेक्ट समझती है। वही समझती है जो मैं बोलती हूँ वो ठीक है, जो मैं करती हूँ वो ठीक है, मेरे जो पॉइंट है वो ठीक है, शालीन जो है वो गलत कह रहा है, शालीन जो है मुझे मिसगाइड करता है, शालीन जो है गलत आदमी है, खाली शालीन मुझे यानी कि फला वो फला वो फला वो, मैं ठीक हूँ, हर चीज में ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ परफेक्ट हूँ परफेक्ट हूँ। वो परफेक्ट के चक्कर में तो सब लोगों ने जो सारे के सारे गलत थे, उन्होंने आपको मैडम परफेक्ट आपको सेपरेट करके खड़ा कर दिया, और एक हफ्ते के अंदर आप टारगेट हुई, और एक ही हफ्ते के अंदर आप इस तक इतना टारगेट हुई, पब्लिक को आपके आपके गेम के ऊपर आवाजें उठाना शुरू हो गई हैं, पब्लिक ने आवाजें उठाई हैं। और यही वजह है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होने के बावजूद इस तक घर से बाहर सुनने में आ रहा है कि आप घर से बाहर बैठी हुई हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को परफेक्शन के ऊपर दिखाया है। यहाँ पे परफेक्शन का गेम नहीं है कि हर चीज के अंदर आप परफेक्ट हो, यहाँ पे इंसानों गलतियां जा सकती है, मगर आपको तो हमने 10 हफ्तों के अंदर एक दफा भी सॉरी करते हुए नहीं देखा। आपने बिग बॉस को ही बोला सॉरी सर मैं अब इंग्लिश नहीं बोलूंगी, सॉरी सर मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगी, कहने का मकसद है कि सॉरी इन चीजों पर नहीं था,
सॉरी इन चीजों पे था जहां पे आपने गलतियां करी अंदर, मगर आपने हर गलती के ऊपर ये एक्सप्लेनेशन दी कि मैं ठीक हूँ और सामने वाला गलत है। इस तरह नहीं चलता, हम भी बैठ के देख रहे, इसी वजह से पब्लिक ने भी टारगेट करा और आज वो उसको सबसे कम वोट मिले और वो घर से बाहर है। प्लीज मैम, दूसरी बात, आ रही हूँ मैं, इसीलिए मोहम्मद जी उसने अपने खुद के हालात ऐसे कर लिए थे गंदी गेम खेल के कि घर में भी, तभी सौंदर्य ने बोला उसको देश निकाला दे दिया था, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो डेंजरस थी, घर के लोगों के लिए भी इधर उधर करती थी, तो शी हैज गॉट इट ऑन हरसेल्फ। यस, आई थिंक सोहेल को भी बोलना था, जैन बोल लो। देखो मोहम्मद जी आप बोल रहे हो ना कि अंकित ने सबके साथ दोस्ती बना के रखी है, तो कल सबसे पहले निमृत और शिव ने बोला नहीं वो हमारा दोस्त नहीं है, तो उसने सबके साथ दोस्ती बना के नहीं रखी है। उसकी सबसे ज्यादा बनती है प्रियंका से, फिर सेकंड पे आता है साजिद सर, और थर्ड पे आती है सुम्बुल। ये तीन उसके सबसे क्लोज लगते हैं, बाकी के वो कॉर्डियल है, बाकी सबसे दोस्ती नहीं है ना झगड़ा है दूसरों से, बाकी उसका दोस्त सब ऐसा बोल रहे हो ना आपके, उसकी सबके साथ दोस्ती है, तो कल निमृत के मुंह से निकला ना, नहीं ये हमारा दोस्त नहीं है, अंकित हमारा दोस्त नहीं है। अगर वो दोस्त होता तो वो बोलते हैं ना कि हाँ हमारा दोस्त है, तो उसने सबके साथ दोस्ती नहीं कर रखी है। हाँ, पार्शली मैं एग्री करता हूँ इस बात से आपकी, मगर ये है कि उसने बिगाड़ी भी नहीं है, ये बात भी ठीक है, बिगाड़ा है तभी तो वो लोग इतना उसके पीठ के पीछे बोलते हैं। एग्जैक्टली, मगर उसकी गेम के अंदर कोई गरज नहीं थी, कोई यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं थी, और इसी वजह से वो टारगेट होता रहा है कि वो खेल नहीं रहा। ठीक है, ये एक मैं पॉइंट ले लेती हूँ कियारा का, और आप फिर सुहेल बोल लेना। कल शिव को शिव अरे क्या हो गया, ये आ क्यों नहीं रहा स्क्रीन पे, आ गया है ना। हाँ, कल शिव को हिंट दिया कि तुम विनर हो, विनर की तरह गेम खेलो। शिव इज नॉट इमेच्योर टू रिएक्ट एट द सेम टाइम। मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ कियारा, और एक ऑल्टरेशन कर देती हूँ। कल शिव को हिंट दी कि तुम विनर बन सकते हो, विनर हो नहीं, शिव की तो विनर की तरह, विनर कंटेंडर की तरह गेम खेलो। शिव इज नॉट इमेच्योर टू रिएक्ट एट द सेम टाइम, इट्स नॉट अबाउट फॉलोअर बोला गया है उसको, कल विनर नहीं बोला गया है। जी मैम, पहले हफ्ते से ही मुझे लग रहा था कि जो मतलब जो भी बोलिए आप, मतलब जो इंडिविजुअल खेलता है या फिर ग्रुप में नहीं खेलता या फिर ग्रुप के शेडो में नहीं खेलता, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है या फिर रनर अप रह जाता है, लेकिन विनिंग पोजीशन में वो नहीं आ पाता। तो मुझे लगता है कि ये जो कमेंट आया था, मैं उसको भी सेम आपने जैसे बोला था, मैं भी यही बोलना चाहता था कि हाँ, क्योंकि शिव के जो फैंडम थे उन्होंने टॉप टू ट्रेंड करवाया था कि 2 मिलियन और 1.56 मिलियन का, तो तुम एक विनर मेटेरियल हो, तुम भी एक कंटेंडर हो, तुम भी जीत सकते हो, तो तुम भी ऐसे खेलो कि मतलब इंडिविजुअल की तरह जहां पे गलत लगता है वहां पे साजिद को बोलो कि गलत है, तो आप ऐसा खेलो तो आप जीत सकते हो। तो मुझे लगता है कल बहुत ही बड़ा हिंट दिया गया है शिव को, बट पहली बार ही नहीं दिया ना, जब कन्फेशन रूम में बुला के दिया था वो, उस कितनी बारी शेखर सुमन आके बोल चुके हैं, समझदार को इशारा काफी है ना। ठीक है, सो तो ये लिखो ना पूरा कियारा, आप अपने कमेंट्स देखो पहले, आपने मराठी का ही मेंशन किया नहीं किया। ठीक है, यस जाकी बोलो। सो मैम, अभी जैसे जैन मैम बोल रही थी कि तुम फॉलोवर हो, जैसे तो मुझे बस एक बात समझ में नहीं आती, जो शिव कहां से फॉलोवर है, शिव ने तो खुद ग्रुप बनाया, उसने इवन अगर आप देखेंगे कि निमृत को भी उसने ग्रुप में ले लिया, वो तो चाह रहा है कि आज इतना बड़ा ज्यादा ग्रुप होगा क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि नॉमिनेशन वगैरह से बचना, उसे लास्ट तक जाना है, राइट। अगर वो मराठी बिग बॉस विनर है, दैट डजंट मीन कि स्टार्टिंग से वो ये सोच कर आए कि मैं यहाँ पर भी विनर बनूंगा, तो उसे अपनी यहाँ पे ऑडियंस बनानी है, सारी चीजें जो भी उसको बनाना था, तो वो फॉलोवर तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज जो हम बोल रहे हैं, अगर कन्फेशन रूम में, जैसे मैंने अभी भी पॉइंट हाईलाइट किया था, उसे कन्फेशन रूम में बुलाकर बिग बॉस ने डायरेक्टली बोला था कि कितने लोगों का तुम भार उठाओगे, उसका मतलब ये कहां से हुआ कि वो फॉलोवर है, उसका मतलब तो ये हुआ कि हाँ भाई वो सबको साथ लेकर चल रहा है। अगर ये, अगर बिग बॉस ये चाह रहा है फॉलोअर, तो सलमान खान भी उसे साजिद खान को कभी हाईलाइट नहीं करता कि तुम लीडर हो, कन्फेशन रूम में बुलाकर आप शिव को लीडर बोल रहे हो, और वहां पर वीकेंड के बारे में आप बोल, सलमान खान वहां पर बोल रहा है शिव को, सॉरी साजिद को बोल रहा है, राइट। और प्रियंका को तो हमेशा से
सेकंड वीक से ही मुझे लग रहा है कि हिंट दिए जा रहे थे वीकेंड के वार पर उसे कि बहुत अच्छा कर रही हो, ये सारी चीजें कर रही हो। शिव को तो टाइम टू टाइम, वो शिव देखिए शिव को ज्यादा भी नहीं बोलो यार, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसका गेम इफेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सबको पता है कि शिव ही गेम खेल रहा है यहाँ पर अच्छा जो भी है, क्योंकि चीखना चिल्लाना गेम नहीं होता। अगर उसने मंडली भी, मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि ग्रुप बनाने में क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए कभी ऐसा हुआ कि ग्रुप बनाने में किसी ने उसको धोखा दिया हो? जब ये ग्रुप बनकर खेलते हैं तो ये स्ट्रेंथ के साथ खेलता है ये वाला मंडली वाला पूरा ग्रुप, ये भी तो एक बहुत बड़ी उसकी क्वालिटी है ना, कि अगर वहां पे ये ग्रुप टूट जाता है प्रियंका का, अंकित या सौंदर्य, इसमें आते जाते रहते हैं लोग, लेकिन सबको एक इकट्ठा करना ये भी तो एक क्वालिटी है ना साक्षी, ये भी तो आप मानोगे, तो सारे ग्रुप को कैसे लेकर चल रहा है देखो, के नॉमिनेशन से भी स्टार्टिंग वो नहीं लेकर चल रहा ना, साजिद लेकर चल रहा, कल सलमान खान ने बोल दिया प्रॉब्लम वो है ग्रुप में खेलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको लगता है ना, वो आपने मेरा पॉइंट पूछा, मैंने वही बोला मुझे साजिद लीडर, और सलमान खान ने लाउड एंड क्लियर कल बोला मंडली का लीडर, कल तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई, कल का एपिसोड ही उस बारे में था कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया साजिद इज मंडली का लीडर। पहले तो ये लोग मानते भी नहीं थे मंडली है, चलो एटलीस्ट आप उसके फैन हो ये तो मानते हो मंडली है, पहले तो ये लोग मानते भी नहीं थे मंडली है, एटलीस्ट आप मानते हैं और अब लीडर भी अनाउंस हो गया। जाकी फिनिश कर लो फिर मैं देन पे आती हूँ। हाँ तो और दूसरी आप ये देखिए ना कि उसके बाद भी अगर आपने कितनी बार सलमान खान ने पूछा आर यू एग्री, वो बोले ही नहीं शिव कुछ भी, शिव कुछ बोला भी नहीं सलमान खान के सामने, मुझे लगता है इसी वजह से कि वो एक्सेप्ट ही नहीं किया उसने कि हाँ साजिद लीडर है, वरना वो बोल देता कि हाँ जी, उसने ही बोला कि बोल लीडर नहीं है, बोल हम दोस्त हैं, रिस्पेक्ट के दायरे में बोल सकते हो ना, रिस्पेक्ट के दायरे में बोलो कोई लीडर नहीं है हम में से, हम दोस्त हैं, ये बोलो सलमान के सामने। सिद्धार्थ बोलता है फिर आप कन्फेशन रूम में आकर फिर बिग बॉस ने शिव को क्यों बोला था कि तुम सबका लेकर चल रहे हो, आप खुद बताइए, यहां तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है ना दोनों बातें, सलमान खान का बिग बॉस बोल लेकर चल रहे हो ना, जैन आप जवाब दो, मैं इसका जवाब दूंगी, बोल लो आप जैन पहले। जाकी क्या है ना, उसको फॉलोवर क्यों बोला गया है, मैं भी क्यों मानती हूँ उसको, सुम्बुल सुम्बुल जो है ना वो उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं, उसका साजिद के साथ लेना देना है, शिव के साथ सुम्बुल का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसको प्रोटेक्ट करता आ रहा है, उसके लिए खेलता आ रहा है, उसके लिए हर एक चीज वो कर रहा है, वो सुम्बुल किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, साजिद के लिए, ठीक है। दूसरा टीना, टीना को उसने सेव किया दो बारी, ठीक है, वो उसकी दोस्त थी नहीं, वो किसकी दोस्त थी, निमृत की दोस्त थी, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि दूसरों का जो वो भार होता है ना वो खुद के ऊपर ले लेता है, इसीलिए फॉलोअर लगता है कि दूसरे के दोस्तों को बचाने में वो खुद का गेम खेल, फिर उसको कितनी, उसको उस दिन भी यही बोला गया था कि जब आप निमृत के दोस्त है, सुम्बुल आपकी दोस्त है नहीं, सुम्बुल साजिद की है, वो टीना किसकी दोस्त है तो वो किसकी है, निमृत की है, तो आप उसको सेव कर रहे हो, उसका उसकी प्रॉमिसेस क्यों निभाना है आपको, क्यों निभाना है, मुझे ये समझ नहीं आता। तूने प्रॉमिस सिर्फ निमृत को करना है, अब्दू को करना है, स्टैन को करना है और फिर साजिद को करना है, उसके भी दोस्तों को जो है उसका आपसे कोई लेना देने नहीं, फिर भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए मैं उसको फॉलोअर मानती हूँ कि जो उसके दोस्त नहीं है, उसके दोस्त के दोस्त है, उसको भी वो बचा रहा आ रहा है, ठीक है। उसका 1-to-1 शुड बी विद प्रियंका ओनली, पर उसका क्या हो रहा है ना, जितने उसके मंडली के जो दो जो उसके सामने लड़ाई होते हैं, उसकी लड़ाई उन्हीं से हो जाती है, जिनकी साजिद के साथ नहीं बनती उसकी उसको उसके साथ उसकी भी नहीं बनेगी, जिसकी निमृत के साथ नहीं बनती उसके उसके साथ भी नहीं बनेगी, क्यों भाई, क्यों ऐसा करना है, आपका खुद का एक चॉइस है कि नहीं कि भाई आपका एक प्रियंका को आपने देखा है ना, उसका ना निम्मो फोकस रहती है, ना साजिद फोकस रहता है, ना उसको सिर्फ शिव दिखता है, हर एक बात में उसकी शिव आता है या नहीं आता है, आता है ना, अच्छा, उसके शिव के ऊपर एंड ओनली शिव ही रहता है कि भाई मेरा कोई, और वो उस एक ही बंदे को कॉम्पिटिशन मानती है, दैट इज शिव, और शिव के तो शिव को अभी पूछो अपना कॉम्पिटिशन कौन है तो आपको पता चलेगा कि वो कौन किसको कंपटीशन मानता है, वो तो एक बंदी फोकस है उसके निशाने पर, तो ये बंदा उसके दोस्तों के दोस्त है ना, उसको संभालने में अभी भी लगा पड़ा है, तो मेरे लिए तो वो फॉलोअर ही है। करेक्ट, अर्पित कह रहे साक्षी मेरा एक क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि शिव ग्रुप को साथ में लेकर चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना कि वो अकेला नहीं खेल सकता,
ठीक है मोहम्मद जी, आप बोलना चाह रहे थे कुछ? देखो मैंने जो फील करा है ना, वो बड़ा कैलकुलेटेड बंदा है शिव जो है, वो बड़ा कैलकुलेटेड है। वो सारी बातें सही है कि उसने ग्रुप बनाया और ग्रुप को लीड भी करा, उसने फॉलोअर बना, भले लीड करा, कभी वो लीड करता हुआ नजर आया, कभी फॉलोअर बन का फॉलोइंग करता हुआ नजर आया, वो सब कुछ है वो बिल्कुल, मगर बड़ा कैलकुलेटेड है। उसके ग्रुप के अंदर देखे कौन कौन से एमसी स्टैंड जो कुछ नहीं कर रहा उसके ग्रुप के अंदर है। अच्छा, उसके बाद गौरी को उसने बुलाया था क्योंकि गौरी की भी यानी कि सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी फॉलोइंग है, एमसी स्टैंड अब्दू। फिर यहाँ पर अगर आप दूसरी तरफ देखें, जैसी ही यानी कि डिस्टेंस हुआ शालीन का और सिंबल का, मोहम्मद जी एक सेकंड देंगे, एक सेकंड कियारा, देन यू कैन लीव डार्लिंग। ठीक है, अगर आप आपको आपको सिर्फ आपको जाकी के पॉइंट सुनाई नहीं दे रहे जो प्रो शिफ बोल रहे हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं और आप कभी लौट के मत आइए। मेरे को ये बकवास नहीं चाहिए अपने कॉमेंट सेक्शन में अगर आपको सुनाई नहीं देता। ठीक है, व्हाट डू मीन वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू? व्हाट इज अ डिबेट? अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो डिबेट कैसे करेगा? वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जाकी का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये वन डायमेंशनल डिबेट बेकार, आपको ना, यू आर गेटिंग ब्लॉक्ड फ्रॉम मी, बाय बाय। ठीक है, यस मोहम्मद जी प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, उसके जो ना जैसे उसे सिंबल को देखा कि सिंबल का और शालिन का डिस्टेंस हुआ है, सलमान खान साहब ने क्लास ले ली है, तो वो सिंबल को भी अपने ग्रुप के अंदर लाके, क्योंकि सिंबल की भी फॉलोइंग उसको जानता है, वो कैलकुलेटेड बंदा है, वो उसको मालूम है कि कौन कौन से बंदे मेरे फेवर के हैं, वो उसे वही लोगों को जमा करा अपने ग्रुप के अंदर, उसका फायदा भी उठाया। अच्छा, ज्यादा टास्क ज्यादा क्या नाम कैप्टनसी इनके ग्रुप के अंदर या इनकी मंडली में क्यों मिल गई? क्योंकि ये अक्सरियत में थे, आठ आठ लोग मिलके खेल लेते, तो इनका संचालक भी इनका अपना होता था, गेम भी वही खेल ले, सामने चार बंदे पांच बंदे हैं, ये आठ बंदे, संचालक भी इन्हीं का। तो कहने का मतलब है कि इसी वजह से इनके ग्रुप के हर बंदे को यानी कि कैप्टनसी मिली है, एक गौरी को छोड़ के इनके हर बंदे को कैप्टनसी मिली है, और एक एक दफा नहीं दो दो दफा मिल गई। कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें हम भी देख रहे थे, कैलकुलेटेड था ये, अच्छा था, प्ले बना लिया इसने अपना, गेम को सेव करता हुआ यहाँ तक लेके आ गया, मगर अब एक लेवल पे आके इंडिविजुअल होना पड़ेगा। इंडिविजुअल जब खेलेगा तो देखते हैं कि उसकी पर्सनालिटी क्या नजर आती है, वो कितने मुद्दों के अंदर, अभी तक तो दूसरे के मुद्दे में सब सारे बात सारे लोग इस बात पे एग्री है कि उसके अपने मुद्दे बहुत कम है एज कम्पेयर टू दूसरे के मुद्दे में कूदना, तो जो प्रियंका भी करती थी। तो अब यहाँ पे देखना है कि प्रियंका के अपने मुद्दे कौन से होते हैं और शिव के अपने मुद्दे कौन से होते हैं, और जो नया कंटेस्टेंट आया है वो कौन से मुद्दे क्रिएट करवाता है और किसकी साइड पे खड़ा होता है। तो गेम खैर इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरी तो दुआ है कि टीना ना जाए, अभी अभी भी नहीं पता कि टीना चली गई है, मैंने प्रोमो वगैरह नहीं देखे, मगर अगर टीना चली गई है तो मैं कहता हूँ सुजीता की एंट्री जो है वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो रहेगी, क्योंकि सुजीता को और टीना को मैं आमने सामने देखना चाहता था कि एक नई चीज दिखती, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रियंका और शिव जो है वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, तो हम तो चाहते थे कि यार यहाँ पे टीना और सुजीता सामने आमने सामने खड़ी हो, बीच में शिव शालीन खड़ा हो और एक नई यानी कि स्टोरी चल रही हो। प्लीज मैम, आप लोगों को गेम अच्छी, कमलजीत जी कह रहे गेम अच्छी खेल रहा है शिव, बट वी वांट टू सी ऑन फायर, यस। और गाइस आपको समझना पड़ेगा, कल वीकेंड पे के बाद पे शिव की बात हुई है, तो शिव के बारे में बात होगी ना, उसके प्रोस कॉन्स डिस्कस होंगे, जो प्रियंका के होते हैं प्रियंका के होते हैं, तो जिसको समझ नहीं आ रही है बात में कुछ कर नहीं सकती। अगर कल आज प्रियंका की प्रियंका को बैशिंग हुई थी जब वो गलत गई थी, तो हम प्रियंका की बात कर रहे थे, प्रियंका की खामियां निकाल रहे थे, प्रोज बोल रहे थे, ऐसे ही चलता है, वीक टू वीक चलता है। ठीक है, यस ठीक है ठीक है, जाहू बोला आपको, आर यू नेक्स्ट मोनी? मोनी आपके माइक से ना थोड़ी डिस्टर्बेंस है, जब आप बोले तब अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, Yes, yes. So, मुझे बस एक बात पूछनी थी, जैन मैम बोल रही है कि शिव फॉलोवर है, साजिद का शिव फॉलोवर है, मुझे एक बात समझ नहीं आती, शिव ने साजिद को कहां पर फॉलो किया है? अगर आउट ऑफ रेस्पेक्ट जाके वो कोई उसकी बात अगर सुन लेता है शिव, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर ग्रुप है तो हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक होता है, तो ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल एमसी स्टैन है, अब्दू है, निमरित है, शिव है, साजिद है, पांच लोगों का ग्रुप है, राइट? अब पांच लोगों में अगर कोई अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है तो उसके अगर वो बात सुना है, दैट डजंट मीन, ये नहीं बोल सकते कि वो फॉलोवर है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कोई भी टास्क हो, कोई भी गेम हो, हमेशा साजिद खान शिव के पास जरूर जाके पूछता है कि करना क्या है, मतलब सारों में नहीं, मोस्टली टास्क में पूछता जरूर है करना कैसे, क्योंकि साजिद को भी ये पता है कि ये दिमाग से सारा गेम खेलता है, सारी चीजें खेल रहा है, ये साजिद को बात समझ में आ गई है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो एज अ ऑडियंस हमें कहां से वो फॉलोवर लगता है,
ग्रुप बनाया है उसने, ग्रुप को वो लेकर चला है, तो दैट डजंट मीन कि अगर कल सलमान खान ने साजिद को बोल दिया कि फॉलोवर है तो हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लें कि हाँ भाई ये फॉलोवर के साजिद के वो किसी का फॉलोवर है शिव। अल्टीमेटली अगर शिव फॉलोवर होता तो हर बात में वो साजिद की हाँ में हाँ जरूर मिलाता। अगर वो तमीज के दायरे में बोल देता कि सर यहाँ पे आप गलत जा रहे हो, तो एटलीस्ट वो पॉइंट आउट तो कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रहा है, और पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी भी बात चल रही है, कम से कम चीखता और चिल्लाता तो नहीं है एटलीस्ट वो। अब देखिए दोस्ती का मुद्दा आया है एमसी स्टैन या शिव, वहां पे एमसी स्टैन अगर गलत था शालीन के साथ तो वो भिड़ा शालीन से, वो अपने दोस्तों के साथ भी खड़ा रहा है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा वो दोस्तों के साथ नहीं खड़ा रहा। शिव ने हमेशा कभी भी अगर इतना हाई पर जाके कोई भी बात हुई हो तो शिव हमेशा आपको खड़ा हुआ मिलेगा, राइट? तो उसका गेम प्लान ये हो सकता है। बस यही जैन मैम को काउंटर देना था। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि वो कहाँ कहाँ क्यों मुझे फॉलोअर लगता है, आपने उसका काउंटर नहीं दिया है, आपने कोई भलते ही चीज का काउंटर दिया है। मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है, आप थोड़ा पीछे जाके यूट्यूब पे पीछे जाके सुन लेना फिर से। वो ये कह रही है जवाब दिया कि वो दूसरों, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे टीना है, वो नहीं खुश था टीना के साथ खेलने में, बट क्योंकि प्रॉमिस किया था शिव ने, प्रॉमिस नहीं किया exactly. बाकियों ने प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें तुझे ये कैप्टन बना देंगे, तुझे सेव कर लेंगे, जो भी उसमें से एक साजिद है, तो उसने क्यों किया? वो उसने मन मार के किया ना। आप ऐसे बोल रहे हो कि उसका तो दिमाग चलता नहीं है, हर जगह शिव का चलता है, तो नहीं भाई, वो जो बोट वाला टास्क हुआ था उसमें सबका, वो जो स्टैंड को जितने भी इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो दे रहा था, साजिद दे रहा था, शिव तो खेल रहा था अंदर, तो वो साजिद ही था जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जो उसका राशन टास्क हुआ है या कितने भी टास्क हो, साजिद के पास अपना भी दिमाग है, वो आप उसको मैंने उसको है ना मेरे आंखों के सामने काम करते हुए देखा है ये साजिद को, तो मैं ये बोल सकती हूँ इतना। वो डायरेक्ट जो जिस तरीके से इतना मूवी डायरेक्ट करता है वो करता है ना, उनको पता रहता है ये सब चीजें, ठीक है, तो वो करता है, ऐसा नहीं है। तो पहली बात तो मैं जो इन्होंने बोला वो मैंने पहले ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, साक्षी ने जो बोला है कि जो आपके दोस्त नहीं है आप उसको भी संभालने लगे पड़े हो, जो आपके दोस्त नहीं है, जो निमृत के है उनके साथ आपके क्या लेना देना, निमृत के साथ जितने भी आते हैं भाजी पाव लेके तो आपको क्या जरूर होते है उसको, यू नो वो पुदीने के साथ धनिया फ्री वाला हो जाता है उसका, फिर वो ले लेता है, फिर वो कहाँ उसको यूज करना है उसको पता ही नहीं है। तो वो ही मैं बोल रही हूँ कि उसका है ये, आप मानो नहीं मानो, आप उसके फैन हो तो आपको ये चीज नहीं दिखेगी, हम न्यूट्रल है तो हमको वो दिखेगा। जैसे मुझे प्रियंका में भी बहुत सारे माइनस पॉइंट में अभी बोल गई हूँ ऑलरेडी, मुझे उसमें कितने माइनस इससे भी ज्यादा है, पर मेरे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, वो उसके फैंस को नहीं दिखेगा, मुझे दिखेगा, ठीक है। हाँ, ब्लैक मैजिक पिल्लो उन्होंने टीना किस पे डाला था और टीना चली गई, ठीक है, मुझे यस मोहम्मद जी आप बोल रहे थे। सर क्या नाम देखिए आप बात समझना, हम ये नहीं कह रहे कि क्या नाम वो फॉलो करता रहा है, मेरा ये मानना है, मेरा अपनी ओपिनियन है कि वो कहीं पे फॉलो भी करता रहा है, कभी लीड भी करता रहा है, तो बहुत से पॉइंट है साजिद खान के, बहुत बेतुके पॉइंट, इन्होंने मेरे नॉमिनेट कर दिया, ये इन्होंने अपना वोट जाया करा है, मैं को बाहर जाने वाला हूँ, अच्छा इनके तो 1500 फॉलोअर नहीं होंगे बाहर, इनको तो ऐसा हो जाएगा, उसने मेरे को नॉमिनेट करके ऐसा कर दिया, ये तो अभी इस हफ्ते जाने वाली है, इसका तो गेम कुछ नहीं है, इसको तो बाहर काम नहीं मिलेगा। भाई आप सुनते रहे हो, आप सुनते रहे हो, ये सारे जुमले बिग बॉस में हमारे को एपिसोड के अंदर सुनाए गए हैं, आपकी क्या ओपिनियन है उसके ऊपर? शिव की तो ओपिनियन जीरो रही है, कभी नहीं बोला काम को, साजिद ने दूसरे के काम को लेकर डिस्कस करता रहा तो शिव क्यों नहीं बोला? ये पॉइंट होते वहां पे आपको पर्सनैलिटी नजर आती है कि यार आप किसी की सही चीज को किस तरह ले रहे हो, किसी की गलत चीज को किस तरह ले रहे हो, तो उसने तो हर गलत चीज को एक्सेप्ट करा है ना साजिद खान की, तो यहाँ पे मैं कहूंगा अगर आप गलत चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, काम के ऊपर बोल रहा है साजिद खान, इसको तो बाहर काम नहीं मिलेगा, इसको तो कोई पूछेगा नहीं, 1500 वोट भी लेते इसको कौन वोट देगा, अर्चना के लिए बोला था ना साजिद खान ने, तो मेरे को नॉमिनेट कर दिया, इन्होंने अपना वोट जाया कर दिया, ये तो बाहर बाहर जाके इनको पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ, ये तो मैं तो बैठा रहूंगा, ये बाहर चली जाएगी, ये सारी चीजें, तो वहां पे ये सारी की सारी बातें किसके सामने हुई है? ये ज्यादातर शिव के सामने और निमृत के सामने हुई है, इनकी तो जुबान बन पड़ी रही है उस वक्त, साजिद खान के सामने तो ये बोले ही नहीं कुछ, तो वहां पर हम कहते हैं वहां पे ये बिल्कुल चेला बन के रहा, मगर कहीं पे इसने ये लीड भी करता रहा नजर आया, ऐसा नहीं है कि लीड ही करता नजर आया, लीड भी करता नजर आया, मगर बहुत सी बेतुकी साजिद की बेतुकी बातों में इसने जो खामोशी ली है, इसकी वजह से हमारे को
इसका गेम जो है वो लूज होता हुआ नजर आया। प्लीज सर, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि आप एग्री हो। जाकी का ले लेती हूँ पॉइंट, नहीं तो बहुत वन साइडेड हो जाएगा। मैं जाकी का ले लेती हूँ। तो अब जैसे ये कह रहे हैं, बहुत मोनी आपकी माइक से बहुत आवाज है, जैसे ये सत्यम मिश्रा कह रहे हैं कि जरूरी है ओपनिंग देना, नई मर्जी उसकी, नई मर्जी उसकी, तो फिर गेम में क्या कर रहा है वो? हमारी भी फिर मर्जी है क्या ना? फिर वो तो फिर व्यूअर्स की मर्जी के उसको वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। सिंपल मर्जी फिर सबकी होती है, अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से ही तो बोल रहे हैं ना सारे ओपिनियन। हाँ जी जाकी बोल लो। हाँ, सो बेसिकली जो मोहम्मद भाई बोल रहे हैं, आई एग्री कि वो सारे पॉइंट पे मतलब नहीं माना, चलो एग्री करता हूँ। बट मोहम्मद भाई ये भी तो होता है कि यारी दोस्ती में कहीं ना कहीं तो कभी तो हामी भरते हैं ना। अब एक घंटे के एपिसोड में हम कितना देख लेंगे, क्योंकि मैं तो 24 आवर लाइव देखता नहीं हूँ। कहीं अगर वो फॉर एग्जांपल कहीं अगर वो एग्री कर साजिद खान को नहीं बोलना चाहता तो दोस्ती में ये भी तो होता है कि हाँ, मैं आपको वही रोक लेती हूँ। जाकी मैं आपका पॉइंट समझ गई, आप ही जवाब देना, मैं रोक लेती हूँ आपको। जी, जब निमृत ने वो रोटी वाली रोटी उठाई थी थाली से, सलमान ने बोला आपने निमृत को क्यों नहीं टोका, ठीक है। जब अर्चना ने गालियां दी थी, मैंने कहीं भी नहीं देखा, अर्चना को गालियां पड़ी थी, मैंने कहीं भी नहीं देखा कि सलमान खान को सॉरी उसने टोका साजिद को कि आपने गालियां दी, ठीक है। वीकेंड के बारे में उन्होंने पूछा, जब मंडली मंडली पहली बारी कभी बोला होगा सलमान ने कि साजिद के गलत में भी आप लोग उसका साथ दे रहे थे। सो दीज आर इंस्टेंसेस कोटेड बाय द होस्ट एज प्रूफ कि उसने करेक्शन नहीं की वहां पे वो। और यार दोस्ती क्या होती है कि मेरे हिसाब से ये होती है, और मैं मेरे हिसाब से जो होती है उस हिसाब से मैं उसको जज करूंगी ना। यार दोस्त का गलत भी बोलते हो आप, इट इज अ वेरी अनहेल्दी रिलेशन अदरवाइज। आप साथ दो, चाहे मैं कहती हूँ पूरे कमरे भरे बाजार में और उसकी इज्जत रख लो, पीठ पीछे थोड़ा फर्मली बोलो तो, क्योंकि जो आप पीठ पीछे बोलोगे वहां भी कैमरा लगे हैं, वो भी टेलीकास्ट होगा, ठीक है। तो ये जो होस्ट ने पॉइंट आउट करे, मैं वो मोहम्मद जी भी वही बोल रहे हैं, और मैं थोड़ा बेटर एक्सप्लेन कर रही हूँ इन अ वे कि कब क्या हुआ है। अब आप कंप्लीट कर लो। हाँ, सो अभी जैसे साक्षी आपने बताया कि दोस्ती में भरे बाजार में इज्जत से और बंद कमरे में, यही तो ये करते हैं लोग। अगर आप जब इन्होंने हमेशा ये पॉइंट आउट किया है, अगर आप देखेंगे कि हम अकेले में साजिद सर को हम समझाते हैं, औरों के सामने मुद्दा नहीं बनाते इस बात का, राइट? ये बोला है हमने, सबने देखा है मैम, वो देखा नहीं ना हमें, उनके बोलने से क्या होता है, हमने देखा नहीं एज प्रूफ। जब निमृत ने बोला कि करता होता तो दिखाते ना, जब अर्चना ने बोला कि पर्दा डालती है डाल देते हो तुम अपने फ्रेंड्स की गलतियों पे, तो निमृत ने बोला नहीं हम बोलते हैं, तो मैंने रिव्यू में बोला था कहाँ बोलते हो, कहाँ है वो फुटेज, और अगर बोलते हो तो होस्ट तुम्हें, होस्ट इतनी कच्ची होस्टिंग नहीं करेगा ना, व्हाई विल ही क्वेश्चन फॉर दैट मैटर। मैंने कहीं नहीं बोला वो देखा बोलते हुए, उनके बोलने से क्या होता है, वो तो हर बात पे, वो तो ये भी बोलते हमारा ग्रुप नहीं है, वो तो ये भी बोलते हमारी मंडली नहीं है, पर है ना। वो बोलते हैं बट सबके सामने नहीं बोलते, वो बोलते हैं। और दूसरी चीज, आपने रोटी वाला मुद्दा बताया, अब भी मैंने पॉइंट बोला, आप उसको काउंटर करो। अच्छा, सबके सामने नहीं बोलते, वो फुटेज कहाँ है, आप मुझे प्लीज भेजो, वेयर इज दैट फुटेज? वो कौन, हम अब ये देखिए, आप 24 आवर तो हम लाइव नहीं देख रहे, अगर एपिसोडिक रिव्यू होता है, एपिसोड एक घंटे का रिव्यू होता है, नहीं तो हर एक बंदा यहाँ आके बोलेगा हमने लाइव में देखा है, उसका प्रूफ नहीं है, ठीक है। अगर आपको ही पता है कि 1.25 घंटे के एपिसोड में बिग बॉस हमें ये तो नहीं दिखा सकता ना, कि साइलेंटली वो आपने देखा है, आपने देखा है। फिर देखो, फिर दो, फिर हमेशा कैमरे के लिए बोले, बिलीफ है आप काउंट, ये काउंट ये आप, फिर तो मैं कुछ भी बना लूं, बोल रहे हो कैसा होगा, मैं कुछ भी बना लूं, मैं फिर जो प्रियंका के बारे में शिफ्ट फैंस बोलते हैं उसकी एक ही साइड दिखती है गोलियां चलाने वाली, फिर तो मैं भी बोल सकती हूँ यू नो एज अ होस्ट आई कैन से, फिर तो गाइस उसकी हंसी मजाक साइड होती होगी, वो दिखाते नहीं होंगे, उस पे नहीं हो सकती ना डिबेट। ये बोला गया है कि देखिए, अगर आप देखो, बोला गया है सर आप ऐसे मत किया करो, हमारे एफर्ट्स को वैल्यू किया करो, ये खुद बोला है इन्होंने निमृत और शिव ने। अगर आपने देखा हो, अगर आप देखते हो तो आपने देखा होगा। दूसरी चीज, रोटी वाला मुद्दा तो सिंपल था कि निमृत कैप्टन थी तो सौंदर्य और अर्चना वाला वो मुद्दा चल रहा था, तो उस टाइम पे शिव को नहीं लगा हो कि हाँ मुझे मुद्दा बनाना चाहिए इस चीज का, तो बोला तो ये तो है कि ठीक है,
मोनी उनका ये आप वही सेम टेप रिकॉर्डर चालू है कि हमको नहीं दिखता है, इनको तो दिखा है, अभी कहाँ दिखा कोई है नहीं। देखो साकी आप फैन हो वो मैं फीलिंग समझती फैन हूँ, हो पर ये इस टाइप के फैन यार मुझे पहले नहीं, बात कोई तो नहीं मैं बोलूंगी एक चीज बोलूंगी जाकी के, दूसरा तो उसका खुद के मुद्दे नहीं होते, मैं कब से बोल रही हूँ उसके खुद के मुद्दे नहीं है, उसके जितने भी मुद्दे हैं उसके दोस्त के मुद्दों में ही वो पड़ा है और लड़ा है और आगे बढ़ा है। ठीक है, स्टैंड को उसने मारा वहां पे, वो भी कुर्सी उठा के चला गया। ठीक है, निमरीत की रोटी और लड़ाई हुई वहां पे भी जंप कर दिया। साजिद की तो कितनी भी लड़ाइयां हुई है, बाप रे साजिद की तो हर लड़ाई में वो आगे गया है। और मुझे वो एक चीज गौरी वाली हुई थी, मुझे अभी भी याद है, उसका गौरी के साथ कोई पंगा नहीं था, पर साजिद का हुआ तो उसका भी उसने यू नो साजिद ने बोला कि ये मेरे को टमाटर नहीं लाके दे रही है। निमरीत को भी जब अटैक हुआ था तो शालीन से भिड़ गया था वो। एग्जैक्टली निशांत शर्मा एक तो दूसरे कमेंट करने वालों के कमेंट्स लैंग्वेज मत चुराओ, आपको इतना ही बुरा लग रहा है आप आ जाओ डिबेट पे, मैंने आपका रोका तो है नहीं, लिंक पिन हुआ हुआ है दबाओ और आ जाओ और अपना पॉइंट रखो, टिप्पणी मत दो। और मैंने किसी को मना नहीं किया, अगर वैसे सुषमा जी होती हैं, कितने लोग होते हैं, इकबाल आते हैं, कितने शिव सपोर्टर होते हैं, आज बाय चांस एक ही है और बाकी नहीं है तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, बट मैंने आपको मैं नहीं तो रोका ना। प्रियंका का कोई है नहीं, अभी मौनी ने प्रियंका का एक प्रियंका का मैंने प्रियंका का प्रियंका का कुछ हुआ नहीं जैन, कल एपिसोड में प्रियंका का कुछ नहीं हुआ, और जाकी से किसी का पर्सनल नहीं है, वो शिव के पॉइंट रख रहे हैं, हम लोग काउंटर दे रहे हैं बस, और आपको इतना ही बुरा लग रहा है ना, आप आके डिफेंड कर लो, ये फालतू के कॉमेंट मत लिखो कि वन डायमेंशनल जा रहा है, जो शिव की फुटेज कटी है उसी पे वो क्रिटिसाइज होगा या नहीं होगा ना। ठीक है, मोनी का एक पॉइंट ले लेती हूँ, मैं बहुत देर से बोलना चाह रही हूँ। यस मोनी, मुझे बस उसको ये याद दिलाना था कि जब इंसिस्तान का झगड़ा हुआ था शालीन के साथ, जब रूम में गए थे, मुझे ये बताओ वहां पे शिव ने क्या समझाया था उसको, कहाँ उसको गलत बताया था कि तुम गलत हो क्या तुम सही हो। अगर साजिद के झगड़ा हुआ था अर्चना के साथ, उसने साजिद साजिद को गलत नहीं बोला था, उसने कहा था सर आपने क्यों गुस्सा किया था, सर आपको रिलैक्स होना चाहिए, ये बोलने से कि आप सही गलत हो ये नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, सर आप गुस्सा मत करो, ये चीजें सही गलत नहीं बोलते हैं इंसान को। और मुझे ये बोलते हैं मास्टर माइंड, मुझे आज इस सीजन में कोई मास्टर माइंड नहीं दिखा है, कोई मुझे बोले कि मास्टर माइंड है सीजन में, कोई नहीं है। फिर भी अगर कोई अपनी माइंड चला रहा है थोड़ा थोड़ा, अर्चना चला रही है, उसको भी चुप कराया एक हफ्ते से, उसको माइंड की ऑफ करवा दिया बिग बॉस ने, इसीलिए उसका पूरा हफ्ता इतना बोरिंग चला है, क्योंकि उस लड़की ने कोई मुद्दा ही नहीं उठाया, किसी को उंगली भी नहीं किए। फिर उन लोगों के कह रहे हैं शिव 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 कुछ करे तो हम तारीफ करें, क्या हम बेवकूफ हैं, हम करें कोई अच्छा करे तो हम करें, बोलेगे कि वो सही कर रहे हैं बिना बात की, क्यों क्यों बोले वो प्रियंका की आज कल विकेट के बाद प्रियंका का कुछ है था ही नहीं कुछ, तो हम क्या कर करें। शुरू हो रहा है, आप फिनिश कर लो, 9 बज गए, ठीक है बस कर लो, ठीक है। नहीं सुप्रिया मैं क्लोजिंग रिमार्क्स है कि मैं ज्यादा चाहूंगा बॉस, पता है क्या है यहाँ पे, मैं कम से कम अपना तो क्लियर करूँ कि मैं स्टार्टिंग के 4-5 हफ्ते शिव को सपोर्ट करता रहा हूँ, मगर उसने जब अपना कॉपी पेस्ट करा प्रियंका वाला गेम, हर मुद्दे में कूदना शुरू हुआ, तो फिर मैंने भी अच्छा अभी मैं कम से कम न्यूट्रल लेवल पे हूँ, मैं कहता हूँ अर्चना जीत जाए या इस तक अब्दू जीत जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस तक न्यूट्रल बेस पे हूँ। ये ना समझेगा कि मैं प्रियंका को सपोर्ट करने के लिए शिव को गलतियां बता रहा हूँ, मैं प्रियंका को भी नहीं बचता, प्रियंका दोस्त को भी बोलते हैं हाँ, हम प्रियंका का पॉइंट ही नहीं है मेरे पास, हाँ 2 हफ्ते से प्रियंका का कोई ऐसा मेजर पॉइंट ही नहीं है, तो हम उसको डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मैं ऐसा न्यूट्रल हूँ, मेरे तो ख्वाहिश है कि भाई अर्चना जीत जाए या अब्दू जीत जाए, प्लीज मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सी टू, थैंक यू सो मच मोहम्मद जी। उजाकी मैं एक आपको बोल दूं, आपने अच्छा डिफेंड किया देखो अपनी अपनी तरीके से, और जो मैं व्यूअर्स को बोल दूं, जैसे ये निशांत जी हैं, ठीक है आप रोज आते होगे नहीं, आपने एक दिन चैनल खोला देखा यहाँ शिव के अगेंस्ट बोल रहे हैं और आप कमेंट करना धर शुरू, ठीक है। अब जैसे ये सुप्रिया जी है, ये रोज जुड़ती हैं, इनको पता है मैं यहाँ क्या करती हूँ क्या नहीं, ऐसा एक दिन नहीं है जो मैंने प्रियंका को उसकी गलती में छोड़ दिया हो या अर्चना को भी छोड़ दिया जिसको मैं पसंद करती हूँ। तो बीच में से आके कुछ भी मत लिखो, या तो रोज जुड़ो सुनो फिर बात करो। आज जाकी है, जाकी थैंक यू सो मच, और आपको पता ही होगा दिस इज ओनली फॉर डिबेट पर्पस, इट्स नथिंग पर्सनल। यस राइट राइट ऑब्वियसली एग्जैक्टली, कल भी आना हम हेल्दी डिबेट करेंगे। थैंक
थैंक यू सो मच जाकी। यस जैन, कुछ बोलना कल सात चाहेंगे बजे आप? सात बजे हाँ 7 बजे आ जाना, लेट हो गए थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा लेट थी मैं, 7 बजे आऊंगी। ठीक है ठीक, ओके जैन मैम बाय। ठीक है मुनी, थैंक यू, बाय बाय, मैं जा रही हूँ। बाय मोनी, जरूर जुड़िए फिर से। थैंक्स जैन, बाय 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 मोनी, सी यू, बाय जाकी। गाइस एपिसोड आ गया, देख लो आज वॉचिंग बहुत कम थी, बहुत ज्यादा, आई डोंट नो व्हाई। मैं लेट, मैं कितना लेट आई यार, सिर्फ 15 मिनट, 7:15 आई स्टार्टेड, या 7:15 आई स्टार्टेड, सो नेवर माइंड, कल फिर अच्छी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड इट्स वेरी सिंपल गाइस, जिस दिन जो एपिसोड में होगा वो मुझे दिखेगा और मैं उस पर बात करूंगी। आपको अच्छा लगे बुरा लगे अलग है, शिव वालों को लगेगा जब सलमान उसको बोल रहे हैं आगे से आप विनर हो भाई मुंह खोलो, तो मैं भी सेम ही चीज बोल रही हूँ, समझो आप इस बात को। पिछले आप उठा के देख लेना डिबेट्स, जब प्रियंका की बैशिंग हुई है वो एपिसोड उठा के देखना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देख लेना उसको। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड कल जुड़ूंगी मैं 7 बजे। दिस इज साक्षी फ्रॉम टेट टेट साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव, और मैक्स रिपोर्ट डाल रही हूँ मैं अभी, वो वीडियो भी जाके देख लेना। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, बाय, हैप्पी वीकेंड।